स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रिक यूपीएससी सीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग यूपीएससी के परिपेक्ष में आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण खंड का अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक में आधुनिक भारत में हम लोग यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के इतिहास में हम लोग इनके कारण को समझ चुके हैं हम लोगों ने पुर्तगाली कंपनी के इतिहास को समझ लिया है डच कंपनी के इतिहास को भी पूरी तरीके से समझा है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पढ़ लिया है इसके बाद में एक जो प्रमुख कंपनी भारत आती है उसका नाम है फ्रांसीसी कंपनी तो आज की क्लास में हम लोग फ्रांसीसी कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए जो फाइट हुई जो संघर्ष हुआ जो स्ट्रगल हुआ उसका अध्ययन करेंगे और यह स्ट्रगल तीन कर्नाटक युद्धों के रूप में हुआ और इसमें अंततः इंडिया कंपनी की विजय हुई जय हुई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई तो अंततोगत्वा जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापना के और क्या कारण है या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य विदेशी कंपनियों को पछाड़ कैसे दिया उसका रीजन क्या है तो मुख्यतः ये यूपीएससी की क्लास है लेकिन इससे जो स्टेट कमीशन में आप लोग एग्जाम देते हैं चाहे वो यू का एग्जाम हो चाहे आर का एग्जाम हो चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हिस्ट्री का एग्जाम हो या कोई अन्य स्टेट पीएससी का एग्जाम हो उनके लिए भी फायदा होगा चलिए शुरुआत करते हैं स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में आप सभी लोगों का जानते हैं अन एकेडमी के बारे में कुछ प्रमुख बातों को उसके बाद में सीधे अपनी क्लास पर आ जाएंगे ये अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने पे जो देश के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर हैं उनका आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो टेस्ट सीरीज का शुभारंभ किया है और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लोगों के बीच में मौजूद है और इसके सब्सक्रिप्शन की आखिरी डेट तीस जून है इस सबक्रिप्शन को आप लोग पा सकते हैं इसमें मुख्यतया अस्सी टेस्ट रखे हैं तीन टेस्ट इसमें जो आ, पचास टेस्ट हैं वो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हैं और जो तीस टेस्ट हैं वो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं टोटल अस्सी टेस्ट हैं इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो महा महासब्सक्रिप्शन ऑफर आप लोगों के बीच में जारी है इस महा महासबक्रिप्स ऑफर में आपको संस्थान की तरफ से 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है और हमारे रेफरल कोड का आप लोग यूज करते हैं तो इसके द्वारा 10 प्रतिशत की आपको छूट दी जा रही है टोटल 35 प्रतिशत की छूट दी जा रही है हमारा जो रेफरल कोड है वो हमारा नाम ही है एस -E -E ए एन जे डबल ई बी स्पेलिंग सही से याद रखना कि रेफरल कोड के स्पेलिंग में कोई दिक्कत ना हो क्योंकि इसके द्वारा आपको फीस में दस प्रतिशत की छूट मिल रही है अब यहां पे एक खास बात यह भी है कि अगर इस सब्सक्रिप्शन को इस समय आप लोग प्राप्त करते हैं या लेते हैं तो इसमें जैसे वन ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो ये कम से कम तीन महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन चार महीने का एक्स्ट्रा भी आपको मिल रहा है मतलब मे भी आप एक साल या वन ईयर या बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार महीने उसमें आप लोग और जोड़ लीजिए क्योंकि एक ईयर का वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने के साथ साथ में ये मुख्य परीक्षा के एग्जाम तक बैल्ड होगा जैसे जून है अभी आप इस सब्सक्रिप्स को लेते हैं तो चार महीने बाद ही मुख्य परीक्षा होती है अक्टूबर में इसी हिसाब से मैं कह रहा हूं यहां पे आप लोग डायरेक्ट अगर पे नहीं कर सकते हैं तो संस्थान द्वारा यहां पे लोन की भी व्यवस्था दी गई है इस लोन के माध्यम से आप लोग फॉर्म फिलअप करके लोन प्राप्त कर सकते हैं अब यहां पे लोन के लिए संस्थान की तरफ से कोई भी एक पैसे का भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है रुपए की तो बात छोड़िए ना कोई प्रोसेसिंग फीस है ना कोई यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि उसको लोन लेने में कठिनाई होती है वो नहीं समझता है तो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है मैं दो घंटे में उसको लोन यहां पर दिलवा सकता हूं संस्थान की तरफ से दो कोर्स हैं आइकोनिक और प्लस आइकोनिक और प्लस कोर्स की खास बात है जो प्लस कोर्स है ये भी सामान्य अध्ययन से संबंधित है जो आइकोनिक कोर्स है ये सामान्य अध्ययन यानी जीएस से संबंधित है ये जो प्लस कोर्स है आपको छ महीने बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने के रूप में मिल रहा है इसकी फीस भी यहाँ पे मैंसन है ये भी आपको बारह महीने चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में मिल रहा है और आइकोनिक कोर्स की भी फीस यहाँ पे मैंसन है इसमें सब्सक्रिप्शन लेते समय यहाँ पे बाक्स में आप लोगों को हमारे रेफरल कोड का यूज करना है एस ए एन जे डबल ई V इसको अप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ पे फीस में आपको दस प्रतिशत की छूट मिलेगी आइकोनिक कोर्स में भी यही करना है यहाँ पे बॉक्स में आपको हमारे रेफरल कोड का यूज करना है एस ए एन जे डबल ई V और इसको यूज करने के बाद में इसको अप्लाई करना है और फीस में आपको दस प्रतिशत छूट यहाँ भी मिलेगी ये जो आइकॉनिक कोर्स होता है ये बेसिक टू स्टैंडर्ड होता है जिन्होंने कभी भी यूपीएससी की तैयारी नहीं की या कुछ भी नहीं पढ़ा ये उनके लिए बेहद जरूरी होता है जो इंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं और कभी भी यूपीएससी की तैयारी के, के परिप्रक्ष में कुछ भी नहीं जानते उनके लिए ये बिल्कुल फंडामेंटल कोर्स है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है उनके लिए प्लस कोर्स है क्योंकि इसमें फीस भी कम है इसमें इसीलिए फीस भी ज्यादा है ठीक आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्शनल का भी ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन है ये छत्तीस महीने के रूप में चौबीस और बारह महीने के रूप में यानी एक साल के रूप में है यहाँ पे भी हमारे रेफरल कोड का आप लोग यूज करेंगे तो यहां भी आपको फीस में दस प्रतिशत की छूट आपको मिलेगी यहीं पे हमारे रेफरल कोड को अप्लाई करना है और आगे प्रोसीड करना है ये हमारा रेफरल कोड आपके सामने है इसके अलावा ये जो सब्सक्रिप्शन आप लोग ले रहे हैं इसके लिए संस्थान की तरफ से ऐसा नहीं कि कोई पुराना है बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल न्यूली बैच शुरू होता है संस्थान की तरफ से हर हफ्ते एक नए बैच का शुभारंभ होता है जो कि ऑनलाइन का भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी यही कर रहे हैं आप लोगों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग भी जो लोग हमारे रेफरल कोड का यूज करके यहाँ पे एडमिशन लेंगे या सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए भी बिल्कुल फ्रेश बैच मिलेगा मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे आपको क्लास करना है क्या पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या हो आपकी रणनीति क्या हो किताब कैसे पढ़ें क्लास कैसे अटेंड करें एनसीआर कैसे करें आई के साथ में स्टेट कमीशन की तैयारी कैसे करें और मुख्य परीक्षा में लेखन शैली को कैसे सुधारें ये हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा क्योंकि हमारे रेफरल कोड का आप लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट टू ईयर का बैच भी शुरू हो रहा है और कंप्लीट वन ईयर का भी बैच शुरू हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट ये फोनिक्स का यूपीएससी का रिवीजन बैच भी शुरू हो रहा है और एनसीआर का भी स्पेशल बैच शुरू हो रहा है कई प्रकार के यानी चार प्रकार के बैच शुरू हो रहे हैं जो आप लोगों के लिए ही हैं तो ये बैचेज हैं इसके अलावा यहाँ सीरीज है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे रेफरल कोड का यूज करके और अन एकेडमी काम बैठ है प्रत्येक संडे को सुबह ग्यारह बजे होती है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें साठ प्रश्न होते हैं साठ मिनट का समय होता है चार करोड़ के स्कॉलरशिप का वर्थ है बहुत बड़ी बात है इस कॉम्बैट को आप लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है इसको स्वीकार करके यहाँ पे आप लोग स्कॉलरशिप पा सकते हैं और स्कॉलरशिप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग अब शुरुआत करते हैं और पहुंचते हैं आज की अपनी क्लास पर तो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो गए ना हम लोग आज फ्रांसीसी कंपनी के इतिहास को पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के इतिहास को पढ़ेंगे और आधुनिक भारत का इतिहास है हमारे द्वारा ही ये पढ़ाया जा रहा है तो मुख्यतया हमने जो आधुनिक भारत की सबसे प्रचलित सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है शायद इसी का भी बेहतर तरीके से आप लोग अध्ययन करें तो आपको आधुनिक भारत में कुछ भी प्रारंभिक परीक्षा में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है पड़ेगी और इसमें भी अगर हमारी क्लास को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए पूरी तन्मयता से पूरे उत्साह के साथ में अगर, अगर अटेंड करते हैं तो किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तो किताब कई बार समझ में नहीं आता आप एक बार पढ़ते हैं दो बार पढ़ते हैं दस बार पढ़ते हैं तब भी समझ में नहीं आता प्रॉब्लम होती है दिक्कत होती है समस्या होती है इसीलिए आपके बीच में मैं इस क्लास को लेकर आया हूं कि उस समस्या को दूर कर सकूं और आपका जो समय है पढ़ने का वो कम हो सके यानी कि जो लोग अगर दो साल तीन साल चार साल में आयुष बनना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयास आप लोगों की तरफ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लगातार जारी है उसी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं तो एक बार आप लोग जितने भी लोग क्लास में शामिल हो रहे हैं आप लोग क्लास को लाइक like कर लें और क्लास को शेयर कर लें आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा हमारे लिए भी अच्छा होगा हमें भी लगेगा कि आप लोग हमारी बात मानते हैं हमारा अदब करते हैं हमारा सम्मान करते हैं हमारा उत्साह बढ़ाते हैं तो एक काम आप लोग कर लीजिएगा उसके बाद में जहाँ से भी हैं जो हिसार से हैं वो लोग भी जो इलाहाबाद से हैं वो लोग भी जो लखनऊ से भी हैं वो जो भारत के अन्य कोने से हैं उनका भी स्वागत है वो लोग भी शेयर कर लें क्लास को चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे फ्रांसीसी कंपनी के इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी कंपनी का इतिहास ठीक चलिए शुरुआत करते हैं ध्यान से समझिएगा आप लोग जो समय गया उसको छोड़ो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है आखिर लेट हुआ तो हुआ क्यों एक दो मिनट तो चलिए शुरुआत करते हैं ध्यानपूर्वक पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन करना है आप सभी लोगों को चलिए तो यहां पे फ्रांस के वित्त मंत्री का नाम है कोलबर्ट इस नाम को आपको याद रखना है जैसे सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली कंपनी आई थी और इसका प्रतिनिधित्व तो वास्को डिगामा ने किया था फिर डच कंपनी आई थी फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई फिर फ्रांसीसी कंपनी भारत आ रही है अब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कैसे हुई इसमें किसकी भूमिका है सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे तो इस समय फ्रांसीसी राजा का एक वित्त मंत्री है जिसका नाम है कोलबर्ट ये कोलबर्ट बड़ा उत्सुक हो रहा है कि हमारे देश की भी एक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए जाए और व्यापारिक लाभ प्रदान करे क्योंकि वह यह बड़ी नजदीकी से देख रहा था कि उसी के महाद्वीप की जो पुर्तगाली जो डच और जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी वो व्यापार में लाभ प्राप्त कर रही थी उसको वो बड़ी नजदीकी से देखना देख रहा था ऐसी स्थिति में उस व्यापारिक लाभ को देखते हुए ही फ्रांस के राजा के वित्तीय मंत्री कोलबर्ट ने एक प्रयास शुरू किया और इसी कोलबर्ट के प्रयासों से ही आप लोग देखेंगे कि 1664 में एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया भारत में व्यापार करने के लिए अब यह जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका वैसे वास्तव में नाम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है लेकिन सबसे प्रचलित नाम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ही है लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछता है कि इसका वास्तविक नाम क्या है इसका मूल नाम क्या है तो आप लोग कहिए इस कंपनी का मूल नाम कंपनी द एंड ओरिएंटल्स था action, इसको याद करना पड़ेगा आपको फ्रांसीसी कंपनी का मूल नाम क्या था कंपनी द एंड या एंड ओरिएंटल्स था इसी की स्थापना सोलह सो ईस्वी में हो रही इसी कंपनी की स्थापना कब हो रही है इसी कंपनी की स्थापना सोलह सो ईस्वी में हो रही है अब इस समय अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जिस समय फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सोलह सो ईस्वी में हुई वो तो फ्रांसीसी वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुई लेकिन इस समय फ्रांस का राजा कौन है इस समय फ्रांस का सम्राट कौन है तो इस समय फ्रांस का सम्राट कौन है इस समय फ्रांस का सम्राट है लुई चौदहवा। अब लुई चौदहवा को रोमन शैली में भी लिखा जाता है लुई चौदहवा ध्यान रखिएगा ये दस हो गया और ये वन हो गया ये पांच हो गया तो पांच में से एक घटाया गया तो चार बचा तो ये हो गया कितना हो हो गया यानी 14 हो गया यानी तो जब फ्रांसीसी कंपनी का गठन किया गया तो इस समय फ्रांस का राजा कौन था लुई चौदाहवा था देखो आपसे यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा जब फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ तो फ्रांस का राजा कौन था यहां पे बड़ी नजदीकी से आपको विकल्प देगा लुई चौदाहवा लुई पंद्रहवा लुई सोला और उस समय आप लोग दिग्ध्रमित हो जाएंगे उस समय यह बड़ा कठिन प्रश्न बन जाएगा क्योंकि हमारा जो यूपीएससी का इतिहास रहा है यूपीएससी में पढ़ाने का वो दस वर्षों का लगभग लगभग रहा है इसके अलावा कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हमने पढ़ाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज ए जी के रूप में पढ़ाया एज ए प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहां पर पढ़ाया मेरठ यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ा रहा हूं दिल्ली में भी कभी-कभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाता हूं जब टाइम रहता है तब इसके अलावा देश के जो बड़ी संस्थाएं हैं उसमें पढ़ाया हूं। मेरी अपनी संस्था मुखर्जी नगर में दर्पण आई के नाम से मैंने प्रिपरेशन की है यूपीएससी की कम से कम आठ नौ साल तो जो ये इतिहास रहा है यूपीएससी में तैयारी करने का ये 20 वर्षों का लगभग लगभग रहा है और पढ़ाने का तो इसका एक्सपीरियंस आपके सामने बोल रहा है और ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि मुझे जो सामना करना पड़ा कठिनाइयों का मैं जो दिग्भ्रमित हुआ प्रश्नों को देख के वह आप लोग ना हो यह वही बता सकता है जो प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का सामना किया है बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं दी वो पढ़ा रहे हैं उनको क्या पता मान लो उन्होंने प्रश्न देख लिया लेकिन एग्जाम हाल में जब आपके सामने प्रश्न आता है फिर दिग्भ्रमित कैसे होते हैं तो वो तो उसी को पता चलेगा जिसने सामना किया है उसका तो ये मैं अपनी स्थिति के बारे में बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ इससे आप लाभान्वित होते रहिए और लाभान्वित होके आपको समय भी लगेगा आप लोग आगे भी बढ़ेंगे आगे देखिए समय है सोलह सो ईस्वी का 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई जिसका नाम था फ्रांसीसी कंपनी ऑफ दी इंड ओरिएंटल्स। अब ये समय है सोलह सो ईस्वी में सोलह सो ईस्वी में फ्रांसीसियों का एक व्यापारिक दल भारत आ रहा है स्पेक्ट्रम के ये शब्द हैं आप लोग खोल के देख लीजिएगा इसमें कुछ मैंने सरलता लाने का प्रयास किया है इस दल की अध्यक्षता किसने की फ्रांसिस केरान ने इस दल की अध्यक्षता की सोलह सो ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी का एक दल भारत आ रहा है इसकी अध्यक्षता किसने की? ने की। फ्रांसिस ने आपसे प्रश्न पूछेगा जब फ्रांसीसी कंपनी का पहला दल भारत आया तो इसका चेयरमैन कौन था फ्रांसिस किरान और कब आया तो आप कहिए सर सोलह सो में आया और अध्यक्षता इसकी किसने की फ्रांसिस ने की आगे बढ़िए और देखिए कैसे फ्रांसीसी कंपनी का भारत में विकास होता है और कैसे इसकी स्थापना होती है इसके पूर्व ही अगर आप लोग देखें तो सोलह सो के पूर्व ही इसके पूर्व मतलब पिछला जो पॉइंट था उसके पूर्व इसके पूर्व ये फ्रांसीसी कंपनी मेडागास्कर में अपना उपनिवेश हाँ स्थापित करना चाहती थी कहाँ अपना उपनिवेश स्थापित हाँ करना चाहती थी मेडागास्कर ये देखिए यही है मेडागास्कर इसको आप लोग समझिए दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से चल के आप लोग ये भारत पहुंच जाते हैं और यही है आपका मेडागास्कर और ये बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी है और यहीं पे फ्रांसीसी अपना व्यापार स्थापित करना चाहते थे सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी भाग पे दक्षिणी और पूर्वी भाग पे मेडागास्कर स्थित है यही है मेडागास्कर लेकिन फिर कालांतर में ये मेडागास्कर से चलकर भारत पहुंचे और भारत के कहां पहुंचे सूरत पहुंचे यानी गुजरात पहुंचे तो आगे की इतिहास को आप लोग देखिए ये कहां पे इसी मेडागास्कर में अपना देखो उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे अपना राज स्थापित करना चाहते थे ऐसा नहीं कि केवल व्यापार करना चाह रहे हैं उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे मेडागास्कर पर अपना कब्जा करना चाहते थे आगे देखो क्या होता है फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो यह कैसी कंपनी थी यह लिमिटेड कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी जो अंग्रेजों की थी लेकिन ये जो कंपनी फ्रांसीसी कंपनी भारत आ रही है यह निजी नहीं थी ये तो फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से इस्टेब्लिश हो रही है सोलह सो में तो इसमें मंत्री सीधे इन्वॉल्व है इसका मतलब यह एक सरकारी कंपनी थी और अर्ध सरकारी भी नहीं थी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी ये जो कंपनी होती थी इसका चीफ जो होता था उस चीफ को क्या कहा जाता था या तो कमिश्नर कहा जाता था या तो गवर्नर कहा जाता था यानी जब फ्रांसीसी कंपनी भारत आई तो इसका इसकी क्रिया पद्धति को भारत में जो देखता था वह सर्वप्रथम कमिश्नर कहा गया लेकिन बाद में इसे गवर्नर कहा गया जैसे टूपले जब आया तो वह एक गवर्नर के रूप में आया वह कमिश्नर के रूप में नहीं आया डोपले के बाद में बुस्सी आया वो भी गवर्नर के रूप में है गवर्नर के रूप में उसके बाद में गुडेहू आया वो भी गवर्नर के रूप में है और अंतिम गवर्नर है काउंडी लाली वो भी गवर्नर के रूप में है तो चार गवर्नरों का इतिहास भी हमें पढ़ना है और इन गवर्नरों का क्रम भी पूछता है आपसे एग्जाम में और पूछा भी है जरा याद कीजिए मैंने चारों गवर्नरों का नाम आपको बताया पहला बताया आपको डोपले दूसरा बताया बुस्सी तीसरा बताया गुडेहू चौथा बताया लाली या दी लाली एक बार रिवाइज कीजिए जल्दी से इन चारों गवर्नरों का नाम रिवाइज कीजिए अभी पढ़ाऊंगा आपको व्यापक रूप से <coughs> अगला पॉइंट आपके सामने गवर्नर को कंपनी के हित में ये जो गवर्नर होता था या कमिश्नर होता था यह कंपनी से संबंधित भारत में युद्ध भी कर सकता था इसको क्या राइट थे ये आप लोग देखिए इसको विस्तार करने का भी अधिकार था और इसको व्यापार से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार था ये युद्ध कर सकता था युद्ध के द्वारा भारत में अपना विस्तार भी कर सकता था और भारत ने व्यापारिक निर्णय लेने का व्यापक अधिकार इस गवर्नर या कमिश्नर को प्रदान किए जाते थे इसके पास ये तीनों अधिकार होते थे ध्यान रखिएगा यानी एक तरीके से संपूर्ण अधिकार तो इसके पास है यानी सर्वे सर्वा कंपनी का कौन हुआ भारत में यही कमिश्नर या गवर्नर ठीक यही कमिश्नर या गवर्नर इसका सर्वे सर्वा हुआ अब एक बात और देखिए यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भारत में आए सोलह जो सोलह में फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में याद आया पढ़ाया था अभी थोड़ी देर में फ्रांसिस केरान भूल गए होंगे आप लोग मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं भूलना स्वाभाविक है लेकिन कंसंट्रेट रहेंगे तो थोड़ा याद रहेगा सोलह सो तो में सोलह में फ्रांसिस किरान की अध्यक्षता में जो एक व्यापारिक दल भारत आया था उसको एक सफलता मिल रही है सफलता के रूप में क्या मिल रही है इसी फ्रांसीसी दल ने भारत में सोलह सो ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कहां पे सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फ्रांसीसियों ने खोल ली ध्यान रखिएगा अब सूरत में ही फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी या गोदाम या बेयर हाउस खोला गया ये लोग इस बेयर हाउस या गोदाम में भारत से जो वस्तुएं खरीदते थे उसको उसको रखते थे और यहीं से विदेशों में उसका निर्यात करते थे यानी विदेशों के लिए बेचने के लिए ले जाते थे यही होता था बेयर हाउस कालांतर में इसकी जब चार दीवारी इन लोगों ने कर दी तो इसी को किला कहा गया इसी को फोर्ट कहा गया ठीक आगे देखिए आगे कहा जा रहा है कि इस समय फ्रांसीसी सेना का सेना नायक जो कमांडर इन चीफ था एक तो गवर्नर हुआ या कमिश्नर हुआ और एक अधिकारी और हुआ उसका नाम क्या है सेना नायक उसका नाम है कमांडर इन चीफ तो इस समय फ्रांसीसी सेना का कमांडर इन चीफ कौन था इस समय फ्रांसीसी सेना का कमांडर इन चीफ पैंको कैरो था इस समय भारत का शासक कौन था जब ये 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसी कंपनी भारत में स्थापित हो रही है तो इस समय भारत का शासक कौन था तो इस समय भारत का शासक था औरंगजेब 1658 ईस्वी में औरंगजेब सत्तासीन होता है और ये जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में और 1707 सो ईस्वी के पूर्व ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो जाती है तो जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और भारत में सूरत में अपनी पहली कोठी खोली तो इस समय भारत का शासक कौन था इस समय भारत का शासक औरंगजेब था और इसी औरंगजेब की डेथ कब हुई थी आप लोगों को पता है इसी औरंगजेब की डेथ कब हुई थी बताइए एक बार आप लोग इसी औरंगजेब की डेथ कब हुई थी कोई बताये? बताए बताइए बताइए जल्दी से डेट बताइए मुझे बर्स नहीं पर्स तो हमने अभी बता दिया था आप लोगों को पर्स तो हमने आप लोगों को बता दिया है मुन्ना यादव जी बर्स बता दिया है बेटा चलिए एक बार कोशिश कीजिए जल्दी से बताने की औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु की तिथि क्या है जल्दी से आप लोगों को बताना है देखता हूं कौन बताया है चलो मैं विकल्प आपको दे रहा हूं सात मार्च सात मार्च सत्रह सौ सात क्या गजब का कंबे कम्णे... कंबिनेशन है तिथि का छ मार्च सत्रह सो सात सत्रह मार्च सत्रह मार्च सत्रह सो सात वाह, अच्छी तिथियां निकल के आ रही हैं, बताइए आप लोग निश्चित रूप से आप लोग फंस जाएंगे तीन मार्च तीन मार्च सत्रह सो सत्रह सो सात कब हुई औरंगजेब की डेथ कब हुई औरंगजेब की डेथ जल्दी से बताइए आप सभी लोग विकल्प है आप लोगों के सामने हाँ विकल्प के हिसाब से बताइए क्या होगा भाई तिथि जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा औरंगजेब के डेथ की तिथि ये आप लोगों को बताना है क्या होगा औरंगजेब के डेथ की तिथि क्या बताया भाई आ, राजेश शर्मा रजनीश शर्मा अच्छा डी उत्तर आ रहा है आप लोगों की तरफ से आशीष यादव फोर क्या बात है भाई आज आप लोगों ने क्या खाया हुआ है एक तरफ से सही उत्तर आ रहा है और सभी लोगों ने शायद एक ही प्यारी प्यारी कोई वस्तु खाई है क्या हम्म क्या बात है ऐसे ही सही जवाब आने लगे तो एक दिन तो यूपीएससी की फतह जरूर हो जाएगी क्यों बिल्कुल सही बात तीन मार्च सत्रह सो सात हमने कुछ अजीबो गरीब देके आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया लेकिन आप लोग कहाँ भटकने वाले हैं आप लोग तो ऐसी आत्मा है जो यूपीएससी से एक एक आई का पद छीन लेना चाहते हैं और मैं यही चाहता हूं यहां पे छीनना है दो भाई मुझे चाहिए मुझे बस यही करना है आप लोगों को और ये जो तिथियां हैं कुछ तिथियां ऐसी हैं कि जो टर्निंग पॉइंट लाती हैं ये तीन मार्च की ऐसी तिथि है कि आ, मुगल राजवंश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट लाती है तो इस तिथि को आपको याद रखना है सारी तिथियों को नहीं याद रखना है कुछ उसको कुछ याद रखना है तो औरंगजेब था इस समय भारत का शासक सोलह की बात देखिए सोलह में ईस्ट इंडिया कंपनी ये फ्रांसीसी कंपनी की पहली कोठी स्थापित हो गई सूरत में आगे देखो एक साल आगे हम लोग बढ़ रहे हैं सोलह सो में भारत के पूर्वी तट पर ये जो पूर्वी तट है भारत का ये भारत का क्या है पूर्वी तट ये भारत का क्या है पश्चिमी तट तो पश्चिमी तट को हम लोग मालावार तट के नाम से जानते हैं और पूर्वी तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सोलह सो ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर फ्रांसीसियों ने भारत में कहां पर भारत में पट्टम में अपनी दूसरी कोठी स्थापित कर ली ये देखिए दूसरी कोठी स्थापित कर ली यही है आंध्र प्रदेश में पट्टम या पट्टम वही है पट्टम वही है पट्टम एक पोर्ट के रूप में एक डाकयार्ड के रूप में है एक बंदरगाह के रूप में और अत्यंत प्रसिद्ध है खास करके सूती वस्त्र और मसाले के परिप्रेक्ष में ये मसूली पट्टम या मसली पट्टम इसीलिए फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी कोठी यहाँ पे स्थापित की तो फ्रांसीसियों की भारत में पहली कोठी सोलह में सूरत फ्रांसीसियों की भारत में दूसरी कोठी सोलह ईस्वी में मसूली पट्टम पूर्वी तट पे अब देखो क्या किया इन्होंने बड़ी अच्छी नीति शुरू की कोठी स्थापित करने की एक कोठी पश्चिमी भारत में और एक कोठी दूसरे वर्ष पूर्वी भारत में दोनों पर कब्जा कर लिया पूर्वी भारत और पश्चिम भारत पर कोठी स्थापित करके आगे देखिए क्या होता है अब जब ये कोठियां स्थापित हो गई तो फ्रांसीसी सरकार ने सोचा कि इन कोठियों का भारत में एक मालिक बनाया जाए तो इन कोठियों का अब एक अध्यक्ष बनाया गया इसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन यह सूरत की कोठी और पट्टम की कोठी दोनों कोठियों का या जो भी भारत में कोठिया है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया सबसे पहले फ्रांसिस मार्टिन को बनाया गया समय आ गया आगे देखो सोलह सो ईस्वी का समय बीतते देर नहीं लगती सोलह सो आपके सामने ही आ गया अभी तक सोलह में थे सोलह से आपने शुरू किया था सोलह में पुंडुचेरी या पांडिचेरी आज इसका नाम क्या है आज इसका नाम पुंडुचेरी है और पहले क्या था पांडिचेरी है नामक गांव को फ्रांसिसियों ने बलिकोंडापुरम के शासक शेरखा लोदी से खरीदा ये शेरखांधी एक अफगान शासक है इसी के अधीन एक गांव था और इस गांव को फ्रांसिसियों ने खरीद लिया बाद में यही पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ यही गांव पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ शीघ्र ही फ्रांसिसियों ने देखो ये माहे में यनम में और करिकाल में भी फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी स्थापित कर ली तो पहले तो दो तीन कोठी है ही थी तीन कोठी और स्थापित कर ली माहे है येनम है करिकाल है इन क्षेत्रों में भी अपनी कोठी स्थापित कर ली और ये पांडिचेरी के भाग है आगे देखो फ्रांसीसियों ने बंगाल में जब फ्रांसीसी बंगाल पहुंचे तो इस बंगाल में अपनी ये पहली कोठी कब स्थापित कर रहे हैं और कहां? तो चंदनगर, चंदनगर कहा तो फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर ये चंद्रनगर कहां है ये बंगाल में है तो ये बंगाल में चंद्रनगर में अपनी पहली कोठी फ्रांसीसी स्थापित कर रहे हैं इसके अलावा मारिसस आपका जो पड़ोसी देश है यहां पे भी फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी स्थापित की और माहे में तो स्थापित की ही थी आगे थोड़ा बढ़ते हैं और हम लोग फ्रांसीसी गवर्नरों का इतिहास देखते हैं एक बार रिवाइज कीजिए ब्रिटिश वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से सोलह ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई जिसका ओरिजिनल या मूल नाम था फ्रांसीसी द इंड ओरिएंटल्स कंपनी। 1667 में फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में एक व्यापारिक दल भारत आता है इसी ने सोलह इस ईस्वी में भारत के सूरत में पहली कोठी स्थापित की दूसरी सोलह में उनहत्तर पट्टम में इन फ्रांसीसी कोठियों का भारत में पहला जो मालिक बना था या अध्यक्ष बना था वो फ्रांसिस मार्टिन बना था धीरे धीरे करके भारत में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर चाहे वो मारिसस हो चाहे वो माहे हो चाहे वो यनम हो चाहे वो कराइकल हो इन सभी क्षेत्रों में अपनी कोठियां स्थापित कर ली आगे देखिए अब गवर्नरों का इतिहास फ्रांसीसी कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी प्रारंभ में हमने बताया कमिश्नर कहलाते थे बाद में परिवर्तन हुआ और बाद में ये गवर्नर कहलाने लगे तो फ्रांसीसी अधिकारी फ्रेंको कैरो भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था इस बात का ध्यान रखना फ्रेंको कैरो भारत में पहला फ्रांसीसी गवर्नर था आगे ये फ्रांसीसी कंपनी भारत में फ्रांसीसी कोठी का क्या था फ्रांसीसी कोठियों का ये पहला अध्यक्ष था ये ध्यान रखना फ्रांसीसी कोठियों का ये गवर्नर नहीं था ये अध्यक्ष था इसके बाद में आगे चलकर आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नरों के इतिहास में डुपले का नाम आता है बुस्सी का नाम आता है गोडेहू का नाम आता है और फ्रांसिस्को डी लाली का नाम आता है चार नाम आता है ध्यान रखिएगा तो फ्रेंको कैरो पहला गवर्नर था उसके बाद में डुपले बुस्सी गोडेहू फ्रांसिस्को डी लाली ये अन्य गवर्नर हुए इसमें डुपले के बारे में थोड़ा सा देखिए डुपले फ्रांसीसियों का सबसे विख्यात गवर्नर था इसने फ्रांसीसियों को भारत में काफी मजबूत बनाया था इसी डुपले ने इसी डुपले ने फ्रांसीसियों को भारत में काफी मजबूत बनाया था तो थोड़ा डुपले के बारे में जानना बेहद जरूरी है आइए डुपले के बारे में थोड़ा सा जानते हैं डुपले का उत्थान और पतन यही है आपका डुपले बहुमुखी प्रतिभा का धनी आदमी बहुमुखी प्रतिभा का धनी आदमी है डुपले और फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत में आया था ये तो इसी डुपले के इतिहास का हम लोग थोड़ी देर अध्ययन करेंगे जानेंगे डुप्ले के बारे में कुछ खास बातों को टूपले के बारे में कुछ खास बातों को हम लोग जानेंगे टोपले के बारे में हम लोग कुछ खास बातों को जानेंगे ठीक इसका पूरा नाम क्या था जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले इसका जन्म सोलह इस सौ ईस्वी में हुआ था इसके बाद में यह एक धनवान माता पिता का पुत्र था कोई साधारण व्यक्ति नहीं था डुप्ले 1720 में इसे ये जो इसके माता पिता थे कंपनी में ऊंचे अधिकारी के पद पर थे तो अपने माता पिता के कारण ही यह 1720 में पांडिचेरी में एक ऊंचा पद पाता है फ्रांसीसी कंपनी में अपने माता पिता के प्रभाव के कारण और इसका व्यक्तित्व तो इसका मस्तिष्क भी आप लोग देख रहे होंगे कितना तेज है आंखें देखो कितनी पैनी है दोबारा देखो आप लोग 1741 इकतालीस ईस्वी में इसे फ्रांसीसी कंपनी का भारत में महानिदेशक नियुक्त किया गया सत्रह सो इकतालीस ईस्वी में इसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का महानिदेशक नियुक्त किया गया सत्रह सो इकतालीस में ही डुपले पांडिचेरी का क्या बना था गवर्नर जनरल बना था सत्रह सो इकतालीस ईस्वी में ही डोपले एक कूटनीतिज्ञ भी था एक विशेषज्ञ भी था मतलब भारतीयों में तोड़फोड़ करना बड़ी आसानी से यह जानता था और यह काम अंग्रेजों से पहले भारत में डुपले ने ही शुरू किया था यह महत्वाकांक्षी प्रकृति का आदमी था कूटनीतिज्ञ प्रकृति का आदमी था राजनीतिक विश्लेषक भी था ये डुपले कोई सामान्य आदमी नहीं था और आमिर मां बाप की संतान भी था बुद्धजीवी मां बाप की संतान भी था तो जीन भी अच्छी थी प्रथम दो कर्नाटक युद्ध से यह बात साबित भी होती है जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ देखिए एक डुपले की दूसरी तस्वीर और इसमें ये डांसिंग लग रहा है जो पहला और दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ तो इसमें फ्रांसीसियों की तरफ से डुपले ने नेतृत्व किया था और ये दोनों कर्नाटक युद्ध लगभग लगभग यह सिद्ध करते हैं कि यह कूटनीतिक रूप से काफी धनी आदमी था यह जोड़ तोड़ करने में बड़ा माहिर था यह दोनों युद्धों से यह बात स्पष्ट भी होती है इसके अलावा ये पहला भारतीय शासक था जिसने भारतीयों को आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था ये पहला शासक था जिसने भारतीयों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था अंग्रेज भी भारत में थे लेकिन अंग्रेजों ने अभी भारतीयों की आंतरिक राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन जब फ्रांसीसी भारत आए और फ्रांसीसियों में डुपले भारत आया तो ये आंतरिक रूप से भारतीयों की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला विदेशी शासक है चलो बाह्य पक्ष का बाह्य पक्ष में तो हस्तक्षेप अंग्रेज भी करने लगे थे लेकिन आंतरिक में नहीं पूजा पाठ जब तब या जो आंतरिक मामला है उसमें अभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था लेकिन ये पहला व्यक्ति है याद रखना और एक और बात इसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के चंदा साहब को अपना समर्थन दिया था जब हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ तो इसने क्या किया था इसमें इसने उसमें अंदर जाके उसके आंतरिक पक्षों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में क्या किया था इसने इसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को अपना सपोर्ट किया था और कर्नाटक में चंदा साहब को अपना सपोर्ट किया था यानी आंतरिक राजनीति में भाग लेना इसको पसंद था यह हस्तक्षेप करना जानता था और एक खास बात यही मैं जो आपको बताने वाला था बेलजली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर जनरल था समय था सत्रह सो निन्यानबे ईस्वी का सत्रह सो निन्यानबे ईस्वी का और भारत में जो बेलजली है भारत में सहायक संधि को प्रारंभ करके जो भारतीय रियासतें हैं उनको अपने कब्जे में लेना चाहता है बेलजली वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था गवर्नर था वायसराय था। राय था तो इस बेलेजली से पहले भारत में सहायक संधि को प्रारंभ किसने किया इस डुपले ने प्रारंभ किया था सत्रह सो निन्यानबे ईस्वी में बेलेजली ने जो सहायक संधि प्रारंभ किया था उससे पूर्व भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुपले ने सहायक संधि को शुरू कर दिया था और भारतीय रियासतों से सहायक संधि समझौता करने वाला यह पहला विदेशी नागरिक था यह भी ध्यान रखना आप लोग ये जो डुपले था हमने आपको बताया कि भारतीय राजनीति में इसका उत्थान हुआ एक प्रशासक के रूप में लेकिन कुछ समय बाद इसका पतन भी हो गया था तो इसके पतन के भी कुछ रीजन थे की पराजय का कारण जरूरत से ज्यादा आशावादी होना था कहते हैं ना किसी से जरूरत से ज्यादा अगर अपेक्षा कर लो आशा कर लो तो ऐसा लगता है कि वो सामने वाला काम करेगा ही लेकिन वो झटका दे दे और वो काम ना करे तो दुख होता है और व्यक्ति टूट जाता है तो यह व्यक्ति की क्या है एक कमजोरी है जरूरत से ज्यादा अगर अपेक्षा करना है तो अपने ऊपर कर सकते हैं बस अपने पैरों पे कर सकते हैं दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और मान लो हो सकता है वो भी उतना सचेत या आपको मानने वाला इंसान है आपका काम कर सकता है लेकिन हो सकता है दूसरी बार ना करे तो दूसरी बार ना करे तो निश्चित रूप से एक जोर से झटका लगेगा एक अटैक टाइप का होगा और उस समय व्यक्ति अपने आप को बड़ा कमजोर बड़ा अकेला महसूस करता है तो इसीलिए जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए जिससे अगर वह व्यक्ति काम ना करे तो दुख ना हो संभलने का मौका मिल जाए हम भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम दूसरे के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं अपने ऊपर कम करते हैं ये सच्चाई है जबकि पश्चिमी सभ्यता में यह सिखाया गया कि अपने ऊपर विश्वास करो अपने लिए एफर्ट करो जब अपने लिए आप करोगे तो दूसरे के लिए जरूर आप कर सकते हो यूपीएससी भी यही कहता है कि अपने मुखड़े को अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले आप लोग अच्छा रखें बढ़िया रखें और उसमें पढ़ाई भी करते रहें स्वास्थ्य भी अच्छा रखें थोड़ा हस्तपुष्ट भी रहें बहुत कमजोर भी ना रहें कि मैं आपको डीएम बनाऊं एसपी बनाऊं कि लगे हाँ फलाना डीएम बना हुआ है ये नहीं कि भाई डीएम बना दिया और ईश्वर ने जो उसे शक्ति दी जो उसे स्वरूप दिया जो उसे तन दिया उसको भी वो कमजोर करता हुआ चला जा रहा है तो यूपीएससी क्या चाहता है यूपीएससी एक स्वस्थ इंसान चाहता है एक हस्तपुष्ट इंसान चाहता है भाई अगर आप ही वहां यूपीएससी में बैठेंगे तो एक स्वस्थ इंसान आपके सामने अगर बैठा हो और एक थोड़ा सा अस्वस्थ हो एक कमजोर हो और मान लो स्वस्थ व्यक्ति ऐसा हो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी हो उसने एग्जाम में अच्छा किया भी हो तो आप किसको लेंगे स्वस्थ व्यक्ति को चमकते दमकते व्यक्ति को अगर आप ही हो तो क्या करेंगे जरा अपना अपने को वहां स्थापित करके देखिए तो जरूरत से ज्यादा ये आशावादी था इसलिए भी इसका पतन हुआ क्यों कई बार क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने इसके ऊपर या इसकी कोठियों के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया तो अपने दोस्तों के ऊपर ज्यादा ये निर्भर था और दोस्तों के बारे में अभी आपको बताएंगे जो मारिसस का गवर्नर है ला बुडोर ने वो इसकी हेल्प तो करता है लेकिन उसका अपना एक अलग ही राता रहता है वो अंग्रेजों से फिरौती ले, ले लेता है और बाद में मद्रास को वापस कर देता है अंग्रेजों को लेकिन ये इतना शक्तिशाली है कि पलटवार करते हुए मद्रास पर कब्जा कर लेता है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में डुपले निरंकुश भी बहुत था यह अपने मित्रों को पसंद नहीं आया था अगर इसने कुछ बोल दिया तो वही सत्य है वो गलत नहीं हो सकता इसलिए इसके मित्र इससे खिन्न हो जाते थे इससे अलग हो जाते थे इससे दूर हो जाते थे भाई जो सही है उसी को माना जाए ना कि जो गलत है उसको माना जाए तो इसीलिए जब जरूरत पड़ी तो इसके मित्रों ने इसको सहयोग नहीं किया यही बात नेपोलियन में भी थी और ये नेपोलियन के देश का भी निवासी है ये भी ध्यान रखिएगा यही बात नेपोलियन में भी थी नेपोलियन भी दम था अहंकारी था जिंदगी में कभी उसने दोस्त नहीं बनाया दोस्त बनाना जरूरी होता है हमेशा दुश्मन ही बनाता रहा अब जब उसका एक नकारात्मक समय आया तो कोई उसके साथ में खड़ा नहीं हुआ यहां की चौदह भाई बहनों में नेपोलियन के साथ में उसके भाई बहन यहां तक कि जो जब भी नहीं खड़ा हुआ जिसको नेपोलियन ने स्पेन दिया था और एक बार नहीं दो बार गद्दी पर बिठाया था दो बार जोजफ को गद्दी पर बिठाया था नेपोलियन ने उसी जोजफ ने सपोर्ट नहीं किया जब वाटर का युद्ध हुआ 1815 सो ईस्वी में तब तो वहीं का तो नागरिक है थोड़ा पहले आ गया है भारत इसके अलावा डुपले की योजना को अधीनस्थों ने समय से लागू नहीं किया अब तो जैसे मान लो कि गवर्नर है तो सबसे बड़ा अधिकारी है मतलब राजा है भारत में मतलब शासक है भारत में में तो इस शासक के अधीन में कई आईएस होंगे मतलब आप लोग होंगे भाई राजा के अधीन ही तो आप लोग शासन करेंगे अब राजा अगर कोई आदेश दे रहा है तो उसकी योजनाओं को क्रियान्वित कौन करेगा आप लोग करेंगे आईएस लोग करेंगे और अगर आप लोगों का मन ना किया करने का तो राजा सक्सेस होगा भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित कौन करता है आई एस आई पी एस आई आर एस केंद्रीय अधिकारी और केंद्रीय अधिकारियों का मन ना किया योजनाओं को क्रियान्वित करने का फिर भारत सरकार की योजनाएं धरी की धरी रह गई जैसे मोहम्मद बिन तुगलक योजनाएं तो बड़ी बढ़िया लाया गलत क्या लाया कोई भी एक भी योजना उसने गलत नहीं लाया लेकिन अधिकारियों ने उसका साथ नहीं दिया इसीलिए उसकी योजना चल नहीं पाई तो ये डुपले की योजना को अधीनस्थों ने समय समय पर लागू नहीं किया जब इसकी योजना फेल होती गई तो यह भी फेल होता गया और फ्रांसीसी सरकार ने इसको वापस बुला लिया फिर तब फ्रांसीसी सरकार ने इसको क्या बुला लिया इसको वापस बुला लिया अब डुपले को हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक डुपले को हम लोगों ने पढ़ लिया अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके सामने भारत में सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अब फाइट होगी अब संघर्ष होगा अब युद्ध होगा यह युद्ध तीन युद्धों के रूप में तीन कर्नाटक युद्धों के रूप में आपके सामने है अब आप कहोगे सर अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में जब युद्ध हो रहा है तो इसे कर्नाटक युद्ध क्यों कहा गया इसे तो आंग्रा आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता तो कहा जा सकता है इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यह जो संघर्ष हुआ यह जो फाइट हुई यह कर्नाटक में हुई इसीलिए इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए एक वैसे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा तीन कर्नाटक युद्ध आपके सामने है और इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे <laughs> तीन कर्नाटक युद्ध तीन कर्नाटक युद्ध ठीक तीन कर्नाटक युद्ध ठीक है अमन तो कुछ सारी वगैरह हो रही नहीं हो रही है दिख नहीं रही है आपकी सारी, अमन कुमार जो नए लोग जुड़े हैं चार बजे से ये क्लास प्रारंभ होती है अभी सात बजे से भी हमारी एक क्लास और आठ बज के 45 मिनट से भी आज ही एक क्लास है इसी यूट्यूब चैनल पे सात बजे की जो क्लास है वो एक स्पेशल क्लास है वो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इतिहास को विषय के रूप में सब्जेक्ट के रूप में क्यों रखा जाए और अगर रखा गया है तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ें क्या किताब होनी चाहिए एन होनी चाहिए या यहाँ पे मुखर्जी नगर में जो विशेष रूप से स्टेब्लिश अध्यापक हैं या एक्सपर्ट हैं उनके नोट्स पढ़ना चाहिए या किताब और नोट्स दोनों का साथ साथ अध्ययन करना चाहिए इसी की हम लोग चर्चा करेंगे ये स्पेशल टार्क है टास्क है ये क्लास आज ही सात बजे से अभी स्टार्ट होगी दूसरी क्लास आठ बज के पैंतालीस मिनट से स्टार्ट होगी हालांकि ये तीसरी क्लास है और इसमें हम लोग अकबर के साम्राज्यवादी अभियानों को देखेंगे चाहे वो मेवाड़ का हो चाहे वो मालवा का हो चाहे वो मेड़ता का हो चाहे वो जयपुर का अभियान मतलब आमेर का अभियान हो चाहे वो गढ़ कटंगा का अभियान हो रणथंबोर का अभियान हो काबुल का अभियान हो सिंध का अभियान हो कश्मीर का अभियान हो कई अभियान है अभी आप लोग जानते भी नहीं होंगे और वहां से कैसे प्रश्न आते हैं इसको देखेंगे फिर अकबर की मनसबदारी व्यवस्था भी आज ही देखेंगे और अकबर की दक्कन नीति भी हम लोग आज ही देखेंगे ये क्लास आठ बज के मिनट से इसी YouTube चैनल पे आज ही होगी और ये पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूं यही पीडीएफ सेंड करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे तो क्लास के आखिरी में उसका लिंक दिया होगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए नहीं तो अन हिस्ट्री बाइज संजीव पांडे के नाम से सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ठीक है धर्मवीर है तो आप लोग चैट भी कर रहे हैं लाइक भी करते रहना है क्लास को शेयर भी करते रहना है क्यों विशाल आइए आगे, आगे बढ़ते हैं तीन कर्नाटक युद्ध हैं आपके सामने पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में शुरू होता है 1800 1748 में खत्म होता है दूसरा सत्रह से सत्रह सत्रह सो से सत्रह इसमें कौन सा कर्नाटक युद्ध है इसमें कौन सा कर्नाटक युद्ध है जो सात वर्षों तक चला था जल्दी से बताइए जो सात वर्षों तक चला था पहला या दूसरा या तीसरा बड़ी देर तक आप लोगों ने देखा पहला प्रश्न वहीं से है जो अभी तक आप लोग देख रहे थे चलिए बताइए देखता हूं मैं किसने किसने देखा बताइए जल्दी से कौन सा कर्नाटक युद्ध है जो सात वर्षों तक चला जल्दी से बताइए देख रहा हूं आप लोग देख भी रहे थे या चैट में ही मस्त थे हाँ दूसरा क्यों कनिष्क सही बताया आपने बिल्कुल सही एक हजार प्रतिशत सही अभी दिखाता हूं आपको अभिषेक यादव आपको क्या हो गया बाबू हम्म आपको भी कुछ कुछ होता है क्या हम्म दूसरा कर्नाटक युद्ध बता रहे हैं गिरीशा यादव सब यादव लोग क्या बता रहे हैं आज भाई आशीष तो सही बता रहा है क्यों आशीष आशीष तो बिल्कुल सही बता रहा है तो तीसरा कर्नाटक युद्ध है देखिए आप लोग मतलब ये देखिए सत्रह से 60 से तिरसठ चार तीन सात ठीक यही देखना भी था आप लोगों को अब इस कर्नाटक युद्ध का हम लोग अध्ययन कई पक्षों बिल्कुल क्लियर कट करेंगे जैसे स्पेक्ट्रम में आप लोग पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता ना कई बार दिक्कत होती है कि आप लोग समझते नहीं तो बिल्कुल उसमें मैंने गहराई से उसका अध्ययन किया और डीपली उसको तोड़ा है कई पार्टों में कि आपको बड़ी आसानी से मैं समझा सकूं तो ये जो पहला कर्नाटक युद्ध है भैया इसका हम लोग कई पक्षों में अध्ययन करेंगे बाबू लोग सबसे पहले पक्ष के अंतर्गत हम लोग जानेंगे यहाँ पे पटेल साहिबा ध्यान रखिएगा आप भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा चैट तो करते रहिएगा लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना है समय बहुत कम है क्या रीजन है इस कर्नाटक युद्ध का क्यों हुआ ये कर्नाटक युद्ध उद्देश्य क्या है इस कर्नाटक युद्ध का और जब कर्नाटक युद्ध हुआ तो नेतृत्व तो किसने किया अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व तो किया और फ्रांसीसियों की तरफ से किसने नेतृत्व तो किया इसके बीच में जब ये पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया तो 1746 में शुरू हुआ और 1748 में जाके समाप्त हुआ मतलब कई वर्षों तक ये कर्नाटक युद्ध चलते हैं तो इनके बीच में कई बार उठा पठक होती है एक बार कोई आक्रमण करेगा किसी को पराजित करेगा दोबारा किसी की सेना ज्यादा तक ज्यादा ताकतवर होगी तो इस कर्नाटक युद्ध के बीच में घटनाएं कौन कौन सी होती हैं इसको भी देखेंगे अंततः 1748 सो ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध का जब अंत हुआ तो इसका परिणाम क्या आया और अंत तो संधि से यह युद्ध समाप्त हो रहा है तो कुल आप लोगों ने देखा कि चार पहलुओं के माध्यम से चार भागों के माध्यम से इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का अध्ययन करेंगे ऐसा अध्ययन कहाँ देखने को मिलता है होम डालिए जितने भी YouTube चैनल यहाँ पे संस्थाओं के भारत में बने हुए हैं इस तरीके से कोई पढ़ाया हो तो बताइएगा मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना बखान कर रहा हूं आप स्वयं देखिए और तुलना कीजिए ये तो एक ओपन चैनल है ना इसमें कोई फीस भी नहीं लग रही है इसमें आप देख सकते हैं तो इन्हीं लोगों ने आपको भ्रमित किया हुआ है और आप भ्रमित हो जाते हैं आप देखिए भी तो आपको पढ़ना क्या है और यूपीएससी पूछता क्या है कर्नाटक युद्ध में क्या पढ़ा दिया आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा लेकिन आज आ जाएगा समझ में आज आपकी समझ में भी आ जाएगा और अगर प्रश्न भी पूछा तो वो भी समझ में आ जाएगा तो चलिए आप लोग देखिए इसको सबसे पहले देखो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने लिखा हुआ है कि ये जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ इसका रीजन क्या था इसका कारण क्या था इसका रीजन क्या था इसका कारण अरे बाबू मैं आपको बताऊं मैं एक हफ्ते पहले इलाहाबाद में रहता था रिजर्वेशन कराता था और किताब लेने के लिए मुखर्जी नगर आता था इलाहाबाद में किताब भी नहीं मिलती थी नोट्स भी नहीं मिलता था एक तरफ से आइए एक तरफ से जाइए और वो दोपहरी दिल्ली की यहाँ दिल्ली की रोडों पे जो एम की बसें हैं चलती हैं धुआं ही धुआं मतलब पसीना ही पसीना एक हफ्ते लग जाता था आप लोग तो घर में एसी में बैठे होंगे बढ़िया कंबल में तो पढ़ लीजिए ये हम लोगों के जमाने में कुछ था ही नहीं जो आप लोगों के जमाने में मिल रहा है ये आप लोगों के बड़े सौभाग्य की बात ठीक है अंबुज कुमार हा बारिश बहुत हो रही है उधर यूपी के एरिया में क्यों हाँ बारिश तो और दिल्ली में कुछ भी बारिश नहीं हो रही है सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल तो उधर से कुछ बादल भेजिए इधर तो बहुत बेहद गर्मी सोच तो लीजिए आप तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच मुख्य रूप से लड़ा गया यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था इसका मतलब क्या हुआ भैया ध्यान से समझिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए बिल्कुल सचेत होके बिल्कुल सचेत होके इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए जरा तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था और जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो 1740 में ही शुरू हुआ था वो यहां पे लिखा भी होगा कहीं ये देखो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था सत्रह चालीस ईस्वी में तो जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो इसमें यूरोप की दो शक्तियां आमने सामने थी इस उत्तराधिकार के युद्ध में यहां के ऑस्ट्रिया के दोनों भाइयों को अलग अलग दो शक्तियां अपना साथ दे रही थी इसमें एक इंग्लैंड नामक शक्ति थी और दूसरी फ्रांस नामक शक्ति थी तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विषय पर यह मुद्दे पर जो भारत में दो कंपनियां स्थित हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी ये दोनों जो देश थे वो ऑस्ट्रिया में भी आमने सामने थे तो भारत में भी आमने सामने हो गए तो यह युद्ध किसी भारतीय मुद्दे पर नहीं जबकि एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध पे शुरू हुआ था जब यूरोप में ये दोनों शक्तियां आमने सामने थी तो भारत में भी ये दोनों शक्तियां आमने सामने हो गई यहां के उत्तराधिकार में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने थे, भारत में भी यही हुआ अब इस युद्ध को नेतृत्व तो किसने प्रदान किया जब भारत में पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य में हुआ तो इसमें एक तरफ अंग्रेज थे दूसरी तरफ फ्रांसीसी थे तो दोनों में नेतृत्व तो करता कौन कौन से हैं। तो अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व तो करता यही बार्नेट था और बार्नेट ने ही शुरुआत की थी युद्ध की ये भी बात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसने युद्ध की शुरुआत की तो बार्नेट ने की बार्नेट कौन था अंग्रेज सेनापति था इसने क्या किया कि फ्रांसीसियों का कुछ जहाज पकड़ लिया और जहाज पकड़ के उनको बंद कर दिया और इस समय भारत में डुपले था डुपले नाराज हो गया और देखो दूसरी तरफ फ्रांसीसियों की तरफ से डुपले ने नेतृत्व किया था बिल्कुल आईने की तरीके से साफ साफ शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं ऐसे ही साफ साफ आपको पढ़ना है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आपको पढ़ना है पता है तो पता है बस उसमें डाउट नहीं होना चाहिए सस्पेंस नहीं होना चाहिए तो अंग्रेजों की तरफ से बार्नेट है और फ्रांसीसियों की तरफ से डुपले अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि युद्ध की शुरुआत किसने की तो आप कहेंगे अंग्रेजों ने की अंग्रेजों में से किसने की तो उसी बार्नेट ने की बार्नेट ने फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया अब डुपले नाराज हो गया डुपले की नौसैनिक क्षमता थोड़ा सा कम थी इसने अपने पड़ोसी नौसैनिक अधिकारी जो मॉरिसस में रह रहा था लाबोडोर ने उससे हेल्प मांगी तो आगे घटनाओं में इसको मैं बताने जा रहा हूं तो दो पक्ष आप लोगों ने देखा दो पक्ष अभी बचा हुआ है। अब इस युद्ध के बीच में जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ सत्रह कई बार हमने बताया आप रख लीजिए इस युद्ध को सत्रह से सत्रह के बीच में हुआ इस युद्ध का इस युद्ध की घटनाएं कौन कौन सी हुई तो आपने यहां पे देखा कि युद्ध की पहल किसने की युद्ध की शुरुआत किसने की तो इसी अंग्रेज अधिकारी बारनेट ने की बारनेट ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए घटना की स्टार्टिंग है आगे क्या हुआ डुप्ले इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था इसी समय मॉरिसस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबुडोरने से इसने हेल्प मांगी ठीक है भीष्म यादव जी मेरे यहाँ अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई होगी बारिश सावन आज या कल से ही सावन जेठ के बाद में क्या आता है अषाढ़ ना तो अषाढ़ अब स्टार्ट होगा तो बारिश होगी जेठ में कहाँ बारिश होती वो तो कहीं हो रही है तो हो रही है अब मानसूनी बारिश आपकी तरफ भी होगी निश्चिंत रहिए हाँ यूपी में तो बहुत बारिश हो गई पूछिए मत यूपी में तो बहुत बारिश हो गई और बारिश की वजह से बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होता नुकसान भी होता है आदमी कोई काम नहीं कर पाता आगे देखिए अब बुडोरने ने इसी समय मद्रास पर अधिकार कर लिया एक अगली घटना घटित हो रही है अब बुडोर ने जो मारिसस का इस समय फ्रांसीसी गवर्नर है ये को हेल्प करते हुए आता है और मद्रास पहुंचता है कहां पहुंचता है मद्रास पहुंचता है ठीक ये है तमिलनाडु में स्थित है मद्रास और मद्रास को वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं इसी चेन्नई पर अब ला ने अधिकार कर लिया ये अंग्रेजों का था मद्रास या चेन्नई लेकिन लाबुडोर ने लालची था ये चाहता था कि अंग्रेज हमें कुछ पैसा दे दें कुछ फिरौती दे दें तो अंग्रेजों को मैं पुनः वापस कर दूं मद्रास और ऐसा ही हुआ अंग्रेजों से इसने फिरौती ले लिया और अंग्रेजों को मद्रास इसने वापस कर दिया ये तो डुपले बड़ा कूटनीतिक था और वो जानता था लाबोडोर के बारे में कि ये ऐसा कर सकता था ये लाबोडोर डुपले से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी निकला तो मैं आपको कालांतर में बताऊंगा कि फ्रांसीसी पराजित हो गए और अंग्रेज भारत में स्थापित हो गए तो जो फ्रांसीसी अधिकारी हैं जो फ्रांसीसी गवर्नर हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं है कम्युनिकेशन गैप है इसलिए भी इनके जो निर्णय रहे इनकी जो बातें रहे वो धरातल पे उतर नहीं पाई इसलिए भी ये पराजित हुए ये देखो इसमें मैं यही बता रहा हूं इसमें मैं आपको बता नहीं रहा हूं ये दिखा भी रहा हूं अब डुपले और भी ज्यादा चलाक था वो जानता था कि लाबुडोर ने ऐसा करेगा तो डुपले ने पलटवार करते हुए तुरंत मद्रास पर पुनः कब्जा कर लिया तो अब डुपले के अधीन मद्रास आ गया आगे देखिए क्या होता है अब आगे एक अंततोगत्वा एक युद्ध होता है इस युद्ध को ध्यान से देखिए वर्ष 1748 में यह युद्ध होता है यह युद्ध है सेंटोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में एक युद्ध हो रहा है ध्यान से देखिए इस युद्ध को सेंटोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है इस युद्ध को सेंटोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है ध्यान से समझिएगा इसे इसे ध्यान से समझिएगा इस युद्ध को सेंटोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है इस युद्ध को सेंटोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है सेंटोमे का युद्ध तो सेंटोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध सत्रह से 48 के बीच में हुआ और ये सेंटोमे कर्नाटक ये सेंटोमे तमिलनाडु में, तमिलनाड में स्थित है अब इसमें दो शक्तियां हैं एक फ्रांसीसी शक्ति है और दूसरी तरफ कर्नाटक का नवाब आ चुका है और इस कर्नाटक के नवाब को सपोर्ट कौन कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी इसको सपोर्ट कर रही है अब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में लड़ा गया अंतिम और सबसे भीषण युद्ध था प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में हुआ सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था इसमें डुपले की क्या हुई थी जीत हुई थी विजय हुई थी जय हुई थी और ये कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन क्या हुआ था ये पराजित हो गया था तो विजय हो गई थी मतलब चिन्ह लगा दीजिए सही का और पराजय हो गया था मतलब गलत का चिन्ह लगा दीजिए ठीक का युद्ध अब जीत किसकी हो गई डुपले की जीत हो गई पहले कर्नाटक युद्ध में इसके बाद देखिए क्या इस खासियत क्या है इस युद्ध की इस युद्ध का महत्व तो इस बात में है कि देखो बड़े ध्यान से समझो इस बात को इस कंसेप्ट को ये जो सेंटोमे का युद्ध है या पहला कर्नाटक युद्ध है इसका महत्व तो इस बात में है कि इसने सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसी यूरोपीय शक्ति ने किसी यूरोपीय शक्ति का मतलब यहां पे सीधे सीधे कह लीजिए कि फ्रांसीसी यूरोपीय शक्ति ने और फ्रांसीसी यूरोपीय शक्ति में डुप्ले ने किसी भारतीय शक्ति को पराजित किया तो भारतीय शक्ति में कर्नाटक का नवाब था और कर्नाटक के नवाब में कौन था अनवर उद्दीन था किसी विदेशी शक्ति ने किसी भारतीय शक्ति को पहली बार भारत में 1748 में पराजित कर दिया था इसके बाद में आप लोग सत्रह के प्लासी के बैटल में देखते होंगे कि अंग्रेज बंगाल के नवाब को पराजित करते हैं लेकिन उससे पहले ही फ्रांसीसी नामक भारतीय शक्ति जिसका, ना, जिसका नाम फ्रांसीसी शक्ति जिसका नाम डुपले था इसने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को उसके पहले ही पराजित कर दिया था आप देखिए तो अभी तक आप प्लासी बैटल ही जानते रहे होंगे और इस युद्ध की खासियत यह है कि जैसे प्लासी का युद्ध था तो उसमें कर्नल क्लाइव ने क्या किया था उसको दिमाग में युद्ध लड़ा था वो स्थल पे कहा वो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध तो एक षडयंत्र था षडयंत्र के द्वारा राजुद्दौला के अपने लोगों को कर्नल क्लाइव ने मिला लिया था तो वो युद्ध तो जमीन पे लड़ा ही नहीं गया लेकिन ये जो सेंटोमे और कर्नाटक युद्ध था ये आमने सामने का युद्ध था स्थल पे लड़ा गया था इधर डुपले की नौसेना थी और अस्थल सेना थी उधर कर्नाटक के नवाब की नौसेना और अस्थल सेना थी और इस युद्ध का महत्व तो इस रूप में भी है कि हमारी कमजोरियां भारतीयों की कमजोरियां आपकी कमजोरियां हमारी कमजोरियां एक विदेशी शक्ति के सामने निकल कर आ गई कि हम लोग एक विदेशी शक्ति से क्या हैं कमजोर हैं हमारी नौसैनिक शक्ति कमजोर हमारी स्थलीय शक्ति कमजोर है इस बात का पता हमें 1748 सो ईस्वी में प्रॉपर चल गया इसमें फ्रांसीसी नौसैनिक शक्ति की महत्ता स्थापित हो गई आगे देखिए अब यह जो युद्ध है प्रथम कर्नाटक युद्ध यह समाप्त होता है 1748 सो ईस्वी में और समाप्त होता है ए ला सापेल की संधि के अनुसार तो एला सापेल नामक जो जगह है वो ऑस्ट्रिया में है और आपने देखा था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ही भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था तो 1748 सो ईस्वी में ऑस्ट्रिया में एक संधि हो गई एला सापेल की और वहां पे उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया तो भारत में भी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा है यह भी समाप्त हो गया इस संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया जिसके कारण भारत का भी कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया इस संधि से ये जो मद्रास था हमने आपको ये बताया कि ये जो मद्रास था ये अंग्रेजों को मिल गया क्योंकि ये फ्रांसिसियों के कब्जे में था इस संधि के पूर्व ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ तो एला सापिल की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ तो ये मद्रास जो किसके पास था जो पहले अंग्रेजों के पास था लेकिन फ्रांसीसियों ने ले लिया था तो इस संधि के माध्यम से मद्रास अब किसको मिल गया अंग्रेजों को मिल गया जबकि अमेरिका का एक शहर लुईबर्ग था ये अंग्रेजों के पास था तो इसी संधि द्वारा लुईबर्ग ये फ्रांसीसियों को मिल गया तो इसमें जीत तो लगभग लगभग डुपले को मिली थी लेकिन ये जो संधि हुई ये बराबरी के स्तर पर समाप्त हुई थी इसमें संधि का पड़ा ऐसा नहीं था कि फ्रांसीसियों की तरफ भारी था जो संधि थी वो बराबरी की संधि हुई एक एक स्थल दोनों को मिलने अब एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं इसको आप लोग बताइएगा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का उत्तरा धिकार का युद्ध कब हुआ था कब हुआ था तो बताइए आप लोग कब हुआ था ये विकल्प में आपके सामने है सत्रह सो नहीं थोड़ा सा दूसरे तरीके से कब प्रारंभ हुआ था ये प्रश्न है कब प्रारंभ हुआ था पहला विकल्प आपके सामने है सत्रह सो छियालीस ईस्वी में प्रारंभ हुआ बी विकल्प में सत्रह सो अड़तालीस ईस्वी में प्रारंभ हुआ सत्रह सो चालीस ईस्वी में प्रारंभ हुआ सी विकल्प है सत्रह सो पैतालीस ईस्वी में प्रारंभ हुआ कब प्रारंभ हुआ था यह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध कब स्टार्ट हुआ था यही आप लोगों को बताना है तो बताइए जरा आपके सामने विकल्प हैं आपके सामने विकल्प हैं छियालीस अड़तालीस सत्रह 1745। चालीस सत्रह पैंतालीस हाँ अरुण आप बिल्कुल सही बता रहे हो अभी थोड़ी देर पहले आप क्लास में नहीं थे क्या अभिषेक यादव दो? दो बार आपने गलत बताया है सबका नाम मुझे पता है कब हुआ था भाई यह युद्ध कब हुआ था जल्दी से बताइए कब हुआ था यह युद्ध तो 1740 में हुआ था अभी दिखाया तो था बाबू लोग वही मैं देखना चाह रहा था आप लोग चैट ही करते रहते हो या कुछ पढ़ते भी हो ये देखो किसी और ने बताया था क्या अंडरलाइन भी है ध्यान से देखो जरा कम से कम पचास बार नाम लिया होगा हमने ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध और एक मोटी सी बात हालांकि एक दो लोगों को ही नहीं आ रही है अब चलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जिस तरीके से प्रथम कर्नाटक युद्ध को पढ़ा था तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपके सामने है एक बार देखिए आप लोग सत्रह सो में स्टार्ट होता है और सत्रह सो में यह समाप्त होता है यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है इसको हम लोग कई पहलुओं कई भागों में बांट के करेंगे इसमें साफ साफ हम लोग जानेंगे कि इस कर्नाटक युद्ध का उद्देश्य क्या है कारण क्या है इसका नेतृत्व तो किन लोगों ने किया इस युद्ध के बीच में घटनाएं कौन कौन सी घटी और इसका परिणाम क्या आया था ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या आया था अब यह एक मुख्य युद्ध है इसके बाद में तीसरा युद्ध तो बिल्कुल बांडियावास का युद्ध होता है काम खत्म हो जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कारण क्या है ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसके कई कारण है इसमें जो भारत में फ्रांसीसी शक्ति है और भारत में जो अंग्रेजी शक्ति है ये भारत में अब काफी महत्वाकांक्षा इनके अंदर में जागृत हो गई है ये सब लोग भारत में अपनी शक्ति की स्थापना करना चाहते हैं कई बार महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा विनाश का कारण भी बन जाती कई बार जो पॉजिटिव होती है जिसके पास वो शक्ति होती है वो आगे भी बढ़ा देती है तो दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में उलझा दिया दोनों कंपनियों को भारत में इसके अलावा और क्या कारण था इसके अलावा ये जो हैदराबाद था और ये जो कर्नाटक था इन राज्यों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था ध्यान से थोड़ा सा देखिए तो मैं आपको समझाता हूं ये जो हैदराबाद है यहाँ नबाबी चल रही है जो कर्नाटक है यहां भी नबाबी चल रही है और यहां पे जो मुगल बादशाह है इससे सब ये स्वतंत्र हो चुके हैं जो भारत का मुगल बादशाह है मुगल बादशाह के राज्य से स्वतंत्र होके ये हैदराबाद नामक एक नवीन की स्थापना 1724 में ही कर ली है निजामुल मुल्क या चीन के लिस्खाने अब 1748 में वो एक्सपायर हो जाता है फिर उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाता है ठीक अब जिस तरीके से इस मुगल राज्य से स्वतंत्र हो चुका है ये हैदराबाद इसी तरीके से इस हैदराबाद से स्वतंत्र हो चुका है ये कर्नाटक क्योंकि इस मुगल राज्य के अंदर में ही ये पूरे भारतीय राज्य आते हैं और हैदराबाद स्वतंत्र हुआ तो इसी हैदराबाद के अंदर में ये कर्नाटक भी आता है और यहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है तो इसमें मैंने कहा कि जो डुपले है डुपले भारतीय राजनीति के आंतरिक पक्ष में हस्तक्षेप हस्त करने वाला पहला शासक है पहला गवर्नर है अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी और डुपले भी यहां के उत्तराधिकार के युद्ध में दिलचस्पी दिखाने लगे सब लोग अपने अपने कैंडिडेट रखने लगे तो यह भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है नेतृत्व तो किसने किया फ्रांसिसियों की तरफ से प्रारंभ में डुपले नेतृत्व किया ध्यान रखिएगा क्या लिखा है प्रारंभ में फ्रांसिसियों की तरफ से डुपले नेतृत्व किया स्टार्टिंग में भाई युद्ध तो सत्रह उनचास से सत्रह चौवन के बीच में हो रहा है ना तो पांच साल युद्ध ही हो रहा है पांच छह साल युद्ध ही हो रहा है तो स्टार्टिंग में इस युद्ध का नेतृत्व फ्रांसिसियों की तरफ से डुप्ले ने किया जो पहले युद्ध में करता है बाद में बुस्सी इसका नेतृत्व तो करता है बुस्सी गवर्नर बना के भेजा जाता है फ्रांसीसी सरकार द्वारा और अंग्रेजों की तरफ से देखिए अंग्रेजों का मस्तिष्क आ चुका है आपके सामने रॉबर्ट क्लाइव अब ये पटकनी देना शुरू करेगा ये डुपले से भी आगे निकल जाता है और कई बात तो मैं ये बताऊं कि जो ये काम करता है जैसे कई बार लोग रिस्क नहीं लेते जिंदगी में रिस्क नहीं लेते तो आगे भी नहीं पढ़ पाते इसने जो भी सोचा तो उसके ऊपर रिस्क लिया और उस निर्णय को इसने लागू किया और लागू किया तो सौभाग्य से वो सही भी हो गया सौभाग्य तो से व्यक्ति कई बार रिस्क लेता है तो वो सही भी होता है ये भी सच्चाई है तो जो भी इसने निर्णय लिए जो भी इसने बात कही कई बार वो सही भी हो गई तो इसका स्टार्स भी बुलंदी पर थे इसका मतलब पूजा पाठ जब तक में विश्वास करता रहा होगा रॉबर्ट क्लाइव भाई तभी तो इसके स्टार्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं साथ दे रहे हैं और तभी तो ये एक सेकंड में आगे बढ़ जा रहा है फ्रांसिसो देखो घटनाएं क्या होती हैदराबाद के निजाम आसफ जहां की मृत्यु 1748 में हो गई यही जो निजाम है आसफ जहां इसी का नाम है चिन इसी का नाम है निजामुल मुल्क इसी ने हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में की थी अब इसकी मृत्यु हो गई भैया कब 1748 सो ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद देखिए क्या होता है इसके बाद ये जो हैदराबाद के निजाम का पुत्र है जिसका नाम है नासिर जंग और निजाम के भांजे ये जो सासफजाह का भांजा है मुजफ्फर है इसमें उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया भाई उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो रहा है तो दो पक्ष तो होंगे ही अब दो पक्ष हैं एक तो निजाम का भांजा है और एक निजाम का पुत्र है तो निजाम का पुत्र नासिर जंग है और भांजा जंग है तो नासिर जंग को सपोर्ट अंग्रेजों ने किया जबकि जंग को सपोर्ट डोपले ने किया अभी एक समूह बन रहा है अभी आपको दिखाएंगे अभी समझते रहिएगा थोड़ा ध्यान एक्टिव रहेंगे अपने आप को एक्टिव किए रखेंगे तो समझ में आ जाएगा इस नासिर जंग को सपोर्ट किसने किया आगे चल के अंग्रेजों ने किया और इस मुजफ्फर जंग को सपोर्ट डोपले ने किया और यही बात यहां पे लिखी है जंग को डोपले ने अपना सपोर्ट किया पलता अंग्रेज को सपोर्ट करने लगे आगे देखिए इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक में भी देखने को मिलता है तो यह हैदराबाद की स्थिति हुई अब कर्नाटक में भी यही स्थिति देखने को मिलती है तो देखिए कर्नाटक में क्या है कर्नाटक में भी मिलता है यहां कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहब के बीच संघर्ष चल रहा था अब चंदा साहब को सपोर्ट किया किसने फ्रांसीसियों ने यानी डोपले ने और अनवरुद्दीन को सपोर्ट पहले से ही अंग्रेज कर रहे थे इस प्रकार दक्षिण में सत्ता और उत्तराधिकार के संघर्ष में दो गुट बन गए इन दोनों गुटों को देखिए ध्यान से इन दोनों गुटों को ध्यान से देखिए आपसे पूछा जा सकता है और तो यहां पे मैंने गुट बनाया है ये गुट देखिए जल्दी से और इसका कोड भी बनाया है आपके लिए ये दोनों गुट देखिए ये कर्नाटक युद्ध में यह समूह आपके सामने बन रहा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में यह समूह आपके सामने बन रहा है इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते क्लास को ना तो लाइक ही करते हैं क्यों तो जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है लाइक नहीं किया है वो लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहें ठीक है तेज ठीक है ना तेज <laughs> अच्छा विपिन ने कई बार लाइक कर दिया हाँ ये काम सही सही बताया आपने विपिन ने कई बार लाइक कर दिया है कई बार शेयर भी कर दिया है तो कई बार मत किया करो एक बार ही लाइक किया करो नहीं तो डिसलाइक भी कर देते हो आप लोग हेलो एसपी एसपी मतलब हमारा नाम कोड में भी लिया जा रहा है भाई बताओ भैया तो इस गुट को देखा इस समूह को आप लोगों ने देखा दो तो समूह बन गए अब क्या बन गए दो समूह बन गए अब देखिए एम सी एफ एम सी एफ में क्या कौन कौन है ये मुजफ्फरजंग है ये मुजफ्फरजंग कौन है ये मुजफ्फरजंग है, हैदराबाद के उत्तराधिकार में हैदराबाद का नवाब बनना चाह रहा है और इसको मुजफ्फरजंग को सहयोग किस कौन कर रहा है फ्रांसीसी कर रहे हैं यानी डोपले कर रहे हैं ये सी का मतलब चंदा साहब हो गया ये कहां का नवाब बनना चाह रहा है और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है फ्रांसीसी कर रहे हैं और यहां पे देखिए आप लोग यहां पे ये जो अंग्रेजों का और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का और हैदराबाद के आसफ जहाँ के पुत्र नासर जंग है, तो नासर जंग को सपोर्ट कौन कर रहा है अंग्रेज कर रहे हैं और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है अंग्रेज कर रहे हैं तो यहाँ पे एन ए .E ये ग्रुप बन गया इसमें तो अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को और नासर जंग जो हैदराबाद का नवाब और यहां पे फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे हैं किसको चंदा साहब को और मुजफ्फरजंग को ठीक तो अब इसका परिणाम क्या आता है इसको आप लोग देखिए प्रारंभ में फ्रांसीसियों की स्थिति अच्छी थी जब डुपले फ्रांसीसियों की सेना का नायक था और गवर्नर था तो प्रारंभ में फ्रांसीसियों को सफलता मिल रही थी अंग्रेज धराशाई हो रहे थे तो यही कहा जा रहा है कि प्रारंभ में फ्रांसिसियों की अच्छी स्थिति थी उन्होंने अंग्रेजों को कई स्थानों पर शिकस्त दी पछाड़ दिया था लेकिन युद्ध के बीच में ही फ्रांसीसी सरकार ने डुपले को वापस बुला लिया यही टर्निंग पॉइंट है भारत में फ्रांसीसी शक्ति के पराजय का एक टर्निंग पॉइंट है डुपले जो अच्छा काम कर रहा था उसको फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने बुला लिया और उसके स्थान पर युद्ध के बीच में ही बुस्सी को भारत में भेज दिया इसके इसके बाद बाद क्या होता है देखिए और एक टर्निंग पॉइंट आएगा इसके बाद बुशी को भी वापस बुला लिया फ्रांसीसियों ने अब एक ही युद्ध के बीच में ही तीन लोगों को भारत भेज रहे हो क्या मतलब है भाई कैसे कोई समझ पाएगा जब डीएम कहीं पे पोस्टेड होता है तो कम से कम एक महीना दो महीना लगता है जिले की स्थिति को देखने में तब वो समझता है जिले को और जब तक वो वहां पे स्टेब्लिश नहीं हुआ तब तक सरकार उसे दूसरी जगह भेज देती है तो फिर ना सरकार को कोई फायदा हुआ ना डीएम को फायदा हुआ ना वहाँ के लोगों को फायदा हुआ मतलब फायदा तो बहु पक्षी है ना भाई डीएम को कैसे फायदा होगा डीएम को फायदा ये होगा कि वो समझेगा फिर अच्छा काम करेगा फिर जनता के बीच में उसका बोलबाला होगा भाई उसका गौरव बढ़ेगा उसका गुणगान किया जाएगा सरकार उसे प्रमोट करेगी डीएम का ये फायदा हुआ और जनता डीएम अच्छा काम कर रहा है तो जनता सर आंखों पे उसे बिठा के रखेगी वो नहीं चाहेगी कि उस डीएम का ट्रांसफर हो और डीएम का जो काम होगा और जनता को अच्छा लगेगा तो उससे सरकार भी तो आगे बढ़ेगी और सरकार जब आगे बढ़ी तो देश भी आगे बढ़ेगा लेकिन जब तुरंत तुरंत तुरं भाई एक ही महीने नहीं हुआ अभी उसको पोस्टेड हुए आपने ट्रांसफर कर दिया क्या गलती है उसकी तो कई बार ऐसा होता है और यहां पे भी हुआ तो यहां पे ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा जब तक व्यक्ति समझ रहा है वो कोई काम नहीं करेगा भाई दो चार दिन छह दिन क्या वो तुरंत कोई काम करेगा क्या वो तो समझ रहा है चीजों को फाइल को देख रहा है फाइल को पढ़ेगा फाइल मेंटेन करेगा अब उस पर वो डिसीजन लेगा तो जब डिसीजन लेने का समय आया तो देखो ये बुस्सी को बुला लिया और बुस्सी के स्थान पे गुडेहू को भेज दिया अब इसमें इन लोगों की क्या गलती है अब ये जो बुस्सी है और ये गुडेहू है मान लो इसमें जो डीएम आया या सरकारी अधिकारी आया वो कमजोर टाइप का है वो डुपले जैसा डीएम है भी नहीं फिर क्या होगा फिर तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा और ऐसा ही हुआ दूसरी तरफ अंग्रेजों का पड़ला भारी रहा राबर्ट क्लाइव जमा हुआ था, अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा था ये काफी सूझबूझ के साथ में युद्ध कम में नेतृत्व तो कर रहा था डटा हुआ था एक सीमा पे और इधर देखो लगातार इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि फ्रांसीसियों में कॉन्फिडेंस नहीं है भाई कॉन्फिडेंस नहीं है लगातार इसीलिए तो परिवर्तन हो रहा है और दूसरी तरफ डुप्लेट जमा हुआ है मतलब वो कॉन्फिडेंस में है ऐसा नहीं आती कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस में है भाई मैं पराजित करके ही छोड़ूंगा पीछे नहीं हट सकता देखा जाएगा जो भी होगा ये कॉन्फिडेंस है आगे देखो क्या होता है अब आगे क्या होता है एक संधि होती है एक ट्रीटी होती है और 1755 सो ईस्वी में पांडिचेरी जो कि फ्रांसिसियों की बस्ती थी कोठी थी इसको कब्जे में कर लिया अंग्रेजों ने और यहीं पर जाके संधि की अब यहीं पे अगर संधि की तो पड़ला किसका भारी होगा संधि में अंग्रेजों का भारी होगा ना कि फ्रांसीसियों का भारी होगा यह संधि स्थानों और युद्धबंदियों की अदला बदली थी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है स्थानों की अदला बदली और युद्धबंदियों की अदला बदली तो जो सैनिक फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के पकड़े थे और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पकड़े थे तो एक दोनों के सैनिकों ने एक दोनों के सैनिकों को दे दिया और एक दोनों ने जिस भी क्षेत्र पर अधिकार किया था दूसरे के उसको भी बदल दिया एक्सचेंज कर लिया आपस में दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र और सैनिक वापस मिल गए इस संधि के संदर्भ में डुपले ने कहा डुपले जो फ्रांस में बैठा था देखो एक बात कहता है डुप्ले एक बात कहता है और यह बात क्या है इसको देखिए आप लोग डुप्ले एक बात कहता है और इस बात को देखिए आप सभी लोग ये मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है यहाँ पे मुख्य परीक्षा में भी ये आपसे पूछा जा सकता है टूपले ने कहा कि गोडेहू ने अपने देश अब ये जो संधि पर हस्ताक्षर की ये गोडेहू ने की ये तीसरा गवर्नर था कहा कि संधि पर हस्ताक्षर फ्रांसीसियों के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर है इस संधि पर हस्ताक्षर फ्रांसीसियों के सम्मान और विनाश पर हस्ताक्षर है तो पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर करके हमने जो फ्रांसीसी सम्राट के भवन को भारत में खड़ा किया हुआ था उसको डहा दिया किसने गुडे डुपले कहता है जो ड्यूमा का भवन फ्रांसीसी संसद का सरकार का भवन यहां पे बना था इसको गुड़े उन्हें समाप्त कर दिया लगभग द्वितीय कर्नाटक युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ लेकिन अंग्रेजों का पड़ा भारी था हाथों बराबरी पर लेकिन फिर भी ये जो संधि है ये जो युद्ध है इसका झुकाव किसकी तरफ था इसका झुकाव अंग्रेजों की तरफ था ठीक आगे बढ़िए थोड़ा तीसरा कर्नाटक युद्ध आ जाइए बालक आप लोग तीसरा कर्नाटक युद्ध सत्रह से सत्रह इस सप्तवर्षीय युद्ध है ये सप्तवर्षीय युद्ध है और उसी सप्त वर्षीय युद्ध का पिछलगु है जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो रहा है सत्रह में इसको भी हम लोग चार पहलुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे पहला समझेंगे कि इस कर्नाटक युद्ध का रीजन क्या है नेतृत्व तो किसने किया घटनाएं कौन सी हुई और संधि कौन सी हुई तो यह युद्ध एक छोटा युद्ध है भारत में तो छोटा ही है केवल नाम मात्र की शक्ति फ्रांसीसियों की भारत में बची हुई है उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं तो यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ सत्रह ईस्वी में तो वहां पे फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने थे तो यहाँ पे भी आमने सामने हो गए अब इस युद्ध का कारण क्या है इसको देखिए पांडिचेरी की संधि कोई अस्थाई संधि थोड़ो न थी कि भारत में युद्ध विराम लगा रहता अस्थाई नहीं थी अस्थाई संधि थी भाई पांडिचेरी की संधि में ऐसी कोई बात नहीं थी कि ना तो अंग्रेज फ्रांसीसियों के क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे ना फ्रांसीसी अंग्रेजों के क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे ऐसा कोई समझौता नहीं था कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था इसमें तो ये अस्थाई संधि थी ये कोई ऐसा थोड़ा ना था कि भाई अब 20 वर्ष के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कभी युद्ध नहीं होगा 30 वर्ष के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें तो पूर्ण विराम नहीं था ये अस्थाई संधि थी क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड की सरकारों ने इस पर मुहर भी नहीं लगाई थी इसलिए भी आस्थाई थी दोनों देशों की सरकारों ने इस पांडिचेरी की संधि पर अपनी मुहर भी नहीं लगाई थी इसके अलावा इसी बीच यूरोप में 1756 में सप्तर युद्ध शुरू हो गया जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने आ गए फलता भारत में भी यही हुआ नेतृत्व तो किसने प्रदान किया अंग्रेजों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व तो आयरकूट ने किया बाहुबली सेनापति आपके सामने आ रहा है यही आयरकूट है जिसको अभी थोड़ी देर बाद में ये मैसूर जाएगा तो मैसूर में दे इसको भाई जबरदस्त पटकनी देता है हैदर अली इसी आयरकूट को ये इतना डरता है कि अपनी युद्ध सामग्री ही छोड़ के भाग जाता है यही आयरकूट है और हेक्टर मुनरो भी भागेगा अभी हैदर अली के मैसूर से ये सब अभी पराजित होंगे अभी तो फ्रांसीसियों को और भारतीय शक्तियों को दक्कन में पराजित कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हटके मैसूर यानी कर्नाटक में अभी ये सब पराजित होंगे लेकिन अंत गत्वा जीतेंगे यही तो फ्रांसीसियों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व करता कौन है काउंट दी लाली है काउंट की लाली है इसने लिख दिया टाइपिंग वालों ने तो इसका नाम है काउंट दी लाली। क्या नाम है लाली के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम आप लोग दे रहे होंगे ना यूपीपीएससी में रिव्यू ऑफिसर की एक परीक्षा होती है दरोगा की एक परीक्षा होती है तो वो लोग जो कभी हो सकता है एग्जाम दें दरोगा वगैरह का तो उसमें हिंदी का भी पेपर आता है तो वो लोग बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय जा खाए बौराय जग जा खाए बौराय वो लाल लाली नहीं है भैया हाँ, मधुकर सर की बात नहीं हो रही है अनुप्रास अलंकार की वो तो अपने आप में महान पुरुष हैं एक्सपर्ट हैं तो यहां पे काउंट दी लाली की बात हो रही है किसकी बात हो रही है काउंट दी लाली की बात हो रही है उपमा उपमे उपमान क्यों उपमा उपमे उपमान आगे बढ़िए थोड़ा सा घटनाएं देखिए एक घटना हो रही है थोड़ा सतर्क रहिएगा पांडिवास का युद्ध हो रहा है इसकी तिथि याद रखना है आपको बाईस जनवरी 1760 को यह युद्ध हो रहा है तिथि सहित याद रखना है सन ही नहीं तिथि भी याद रखना है 22 जनवरी प्रारंभिक महीना है तो याद भी हो जाएगा 22 जनवरी 1760 को यह युद्ध हो रहा है यह युद्ध दो शक्तियों के बीच में हो रहा है एक तरफ फ्रांसीसी शक्ति है और इसका सेना नायक कौन है काउंट दी लाली है ये पराजित हो जाता है इस युद्ध में लिखा भी है पराजित हो जाता है और अंग्रेजों की तरफ से कौन है आयरकूट है और आयरकूट क्या होता है इस युद्ध में विजयी हो जाता है विजयी होने के बाद में एक संधि होती है और इस संधि का नाम है पेरिस की संधि इसी संधि से यह तृतीय आंग्ला कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है पेरिस की संधि सत्रह क्योंकि पेरिस की संधि के माध्यम से यूरोप में जो वर्षीय युद्ध चल रहा होता है वो समाप्त हो जाता है तो इसी के द्वारा यह युद्ध भी समाप्त हो जाता है भारत में शांति मिल जाती है हालांकि अंग्रेजों ने इसके पूर्व ही फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया है 1760 में ही। तो इस संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया बांडीवास के युद्ध में भारत में अंग्रेज विजयी हुए अब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर कई शर्त लगा दी जब पेरिस की संधि हुई इसके पूर्व ही बांडियावास के युद्ध द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में पराजित कर दिया था अंतिम रूप से पराजित कर दिया आपसे पूछा जाएगा वह युद्ध कौन सा है जिसमें अंतिम रूप से भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंग्रेजों से पराजित हो गई तो वास का युद्ध है जो 22 जनवरी 22 जनवरी सत्रह था एस या नो बांडिया वास का युद्ध 17 जनवरी सत्रह को हुआ था एस या नो यही बताना है आपको जल्दी से बताइए सत्रह को हुआ था एस या नो बताइए जरा जल्दी से बताइए सत्रह सौ को हुआ था रतन जल्दी से बताइए एस या नो एस अभिषेक पांडे एस और कौन यस कर रहा है भाई नो एस नो कुछ एस भी है और कुछ नो भी है एक दो लोगों का एस है क्यों कतई नहीं हां इस बार आशीष यादव ने गजब शब्द का प्रयोग किया बिल्कुल नहीं किसी भी तरीके से नहीं नहीं हो सकता हो नहीं सकता कि तेरी क्यों आशीष हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए हम्म ऐसी बात है क्या याद तो आने वाली ही चीज है वो तो आएगी ही जी महोदय ये मुमकिन नहीं है कि याद ना आए हैं याद ही आती है यहां तो मैं देख रहा हूं कि यादों की बारात सजी हुई है जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं यादों का दिया जल रहा है तो जला के रखिएगा यादों का दिया क्यों <laughs> चलिए अच्छी बात है आगे देखिए अब देखो क्या पाबंदी लगा दी जा रही है भारत में फ्रांसीसियों के ऊपर बड़े पुराने पुराने गाने हैं यादों का दिया जला के रखो ऐसे कुछ मुझे एक ही लाइन गाने की याद आती है बस मतलब एक ही लाइन याद रहती है और याद रहती है तो फिर वो याद आती है उससे ज्यादा नहीं आता एक ही लाइन याद आती है अब भारत में फ्रांसीसी सेना नहीं रखेंगे भारत में रह तो सकते हैं फ्रांसीसी लेकिन वो अपने साथ में सेना नहीं रखेंगे दूसरी बात फ्रांसीसी अपनी कोठी जो होगी उसकी किलेबंदी भी नहीं करेंगे चौहदी भी नहीं करेंगे उसकी घेराबंदी भी नहीं करेंगे उसको सुरक्षा प्राचीरों से घेर भी नहीं पाएंगे उसकी चार दीवारी भी नहीं करेंगे फ्रांसीसी कई प्रतिबंध लगा रहे हैं अंग्रेज ये लगा रहे हैं प्रतिबंध आगे फ्रांसीसी भारत में अब केवल व्यापारी की हैसियत से रहेंगे ध्यान रखना अब फ्रांसीसी भारत में केवल और केवल साधारण रूप से व्यापार कर सकते हैं अब वो राजनीति में इच्छा रखने के बावजूद भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते ये पाबंदी अंग्रेजियों अंग्रेजों ने लगा दी फ्रांसीसियों के ऊपर बांडियावास के युद्ध में पराजित होने के बाद बांडियावास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था एक तरफा आप लोगों ने सही बताया केवल अभिषेक पांडे से टाइपिंग में गलती हो गई होगी क्यों यही हुआ होगा मुझे पता है अब देखो इतने कमेंट आ रहे हैं मैं देखता नहीं हूं लेकिन मुझे पता चल जाता है कौन गलत बता रहा है और एक ही दो लोग उसमें अंग्रेजी शक्ति ने फ्रांसीसी शक्ति को पराजित कर दिया अब देखो मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है इस प्रश्न को देखिए आप लोग ये प्रश्न आपके सामने है मुख्य परीक्षा में इस प्रश्न को देखिए यहीं पे अभी तक तो आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा को पढ़ा लेकिन मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न देखिए ये प्रश्न की है पहले प्रश्न को देखिए और उसके बाद में एक मानक उत्तर भी इसके साथ में लगा हुआ है इसको मैं समझाऊंगा आपको एक मानकी उत्तर भी है इसके सामने तो इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को तो चलिए इसको समझिए ध्यान पूर्वक प्रश्न क्या है कि क्या कारण है कि अंग्रेजों के मुकाबले फ्रांसीसी भारत में राज स्थापित करने में असफल रहे यानी क्या कारण है कि अंग्रेज सफल रहे और फ्रांसीसी सफल नहीं हुए भारत में राज स्थापित करने में राज स्थापित करने में मतलब शासन स्थापित करने में अंग्रेज तो सफल हो गए लेकिन फ्रांसीसी असफल हो गए क्या रीजन रहा है भाई क्या कारण रहा है इसी को आइए हम लोग देखते हैं तो उत्तर देखिए यहां पे आप लोग पहले पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे देखिए यहां पे पहले पैराग्राफ में ब्रिटिश कई कारण है जैसे भारत में अंग्रेजों के सफल होने का कई कारण है और फ्रांसीसियों के पराजित होने का कई कारण है तो थोड़ा सा भूमिका हम लोग लिखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आईं और इसमें यूरोपीय इसलिए भारतीय राजनीति में, में, भारत में, भारती राजनीत में अपरिहार्य रूप से उलझ गई लेकिन इसमें फ्रांसीसी शक्ति पूर्ण रूप से बाडियावास के युद्ध में पराजित हो गई और अंग्रेजी शक्ति इसमें विजयी हो गए तो अंग्रेजी शक्ति के विजयी होने के निम्नलिखित और फ्रांसीसी शक्ति के पराजित होने के निम्नलिखित कारण है जिसमें से पहला कारण आपके सामने है। इसी तरीके से लिखिए बस और क्या करना है इसमें ये आपका दो तीन लाइन में एक सामान्य परिचय हो गया इस तरीके से आप लोग परिचय लिखेंगे तो वो जान जाएगा हाँ काफी पढ़ा हुआ है अच्छे से समझता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन को समझता है भारत में उसके स्थापना को समझता है तो पहला कारण आपके सामने है जो ब्रिटिश नौसेना थी वो क्या थी वो फ्रांसीसियों के मुकाबले काफी मजबूत थी कैसे मजबूत थी इसको आप लोग देखिए बताना है भाई कैसे मजबूत थी तो ये जो आपका हिंद महासागर है यही मालावार तट है यहीं पे कोरोमंडल तट है यहाँ पे आपको फारस की खाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे आपको मलक्का जलडमरू मध्य मिल जाएगा यहाँ पे इधर आप आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका में मेडागास्कर मिल जाएगा ये पूरा हिंद महासागर का तो एरिया है तो इस पूरे हिंद महासागर पर पहले कब्जा किसका था पुर्तगालियों का था फिर डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया फिर डचों से अंग्रेजों ने छीन लिया और अब इस हिंद महासागर पर किस किसका कब्जा है अंग्रेजों का कब्जा है तो जिसका जल पर कब्जा है उसका स्थल पर भी कब्जा है वर्तमान में भी तो यही कहा जाता है अगर प्रश्न को घुमा से घुमा के थोड़ा सा पूछ ले कि आधुनिक युग में जिसका जल पर राज होगा उसी का स्थल पर राज होगा आंग्ल फ्रांसीसी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिपेक्ष में इसको समझाइए उसमें भी तो सीधा उत्तर यही होगा और इसको ऑप्शनल पेपर में पूछा भी है जो अभी मैं बोल रहा हूं इसको ऑप्शनल पेपर में पूछा भी है तो ऑप्शनल में पूछ रहा है तो जीएस में भी पूछ सकता है बाबू लोग तो जो हिंद महासागर पर राज करेगा यानी उसकी नौसेना सर्वश्रेष्ठ होगी जिसकी नौसेना सर्वश्रेष्ठ होगी वो जल पर राज करेगा जल पर राज करेगा हिंद महासागर पर राज करेगा हिंद महासागर पर राज करेगा तो इसके आसपास के स्थलीय क्षेत्रों पर भी राज करेगा और अगर हिंद महासागर पर राज कर लिया तो वो फारस की खाड़ी पर राज करेगा वो मेडागास्कर पर राज करेगा वो लाल सागर पर राज करेगा वो अरब सागर पर राज करेगा वो बंगाल की खाड़ी पर अपने आप ही राज करेगा यही यहाँ पे लिखा भी है और जब इन क्षेत्रों पे ये राज करेगा तो श्रीलंका पे भी राज कर सकता है मलक्का बंबई मद्रास पर भी राज कर सकता है कलकत्ता पर भी राज कर सकता है बाबू लोग इस सामुद्रिक शक्ति वो अंग्रेजों को क्या मिला फायदा मिला इससे बढ़त मिली पूरे हिंद महासागर पर अंग्रेजों का कब्जा था जबकि फ्रांसीसियों का नहीं था तो नौसैनिक रूप से फ्रांसीसी शक्ति के मुकाबले अंग्रेजी शक्ति सर्वश्रेष्ठ थी तो जब भी नौसेना की जरूरत पड़ी तब अंग्रेजों को सपोर्ट मिल गया जबकि फ्रांसीसियों को उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला अंग्रेज जहां से भी चाहते थे अपने नौसैनिकों को तुरंत बुला लेते थे वो कहां से ये देखो मेडागास्कर से बुला लिया लाल सागर से बुला लिया फारस की खाड़ी से बुला लिया मालावार तट केरल से बुला लिया श्रीलंका है मलक्का है बंबई है मद्रास है कलकत्ता है हर जगह तो अंग्रेजों का अपना अड्डा है अब इस तरीके से अगर आपने लिखा है वो समझेगा अरे वाह भाई वाह इसको तो बड़े व्यापक रूप से समझ है हिंद महासागर में कैसी गहमा गहमी हो रहे होने हो रही है ये पूरा जानता है आगे देखो अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियों के ढांचे में भी अंतर था अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियों के ढांचे में भी अंतर था इस ढांचे के कारण भी अंग्रेजों को विजय मिली जबकि फ्रांसीसियों को पराजय मिली इसमें देखिए आप लोग फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी यह निर्णय लेने में देरी करती थी सही बात है जो सरकारी कंपनी होगी वो निर्णय लेने में थोड़ा देरी तो करेगी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बंबई के अटैक पर की चर्चा करता हूं थोड़ा सा निर्णय लेने में तो सरकार से थोड़ा देरी तो हुई जैसे इजराइल की गवर्नमेंट है एक सेकंड में निर्णय लेती है और वो दाग देती है हमास के ऊपर गोले एक सेकंड में आप लोग देखते होंगे कि तुरंत ही कुछ भी होता है तो इसराइल हमास के ऊपर और हमास के ऊपर भी दोनों तुरंत एक सेकंड नहीं लगता कि दोनों के हवाई जहाज एक दूसरे के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और हमारे यहां निर्णय लेने में कि कमांडो कार्रवाई की जाए कि मुंबई पुलिस को स्पेशली भेजा जाए या कहां कहां पे आतंकवादी अब जा रहे हैं उनकी लोकेशन है थोड़ा सा समय तो लगा तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप समझिए कि जहां पे सरकार होती है वहां पे समय लगता ही तो फ्रांस को समय लगता था जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी इसने क्या लिया हमेशा त्वरित यानी तुरंत निर्णय लिया अतः निर्णय लेने के परिपेक्ष में भी बढ़त हासिल की तुलनात्मक रूप से अंग्रेजों ने और फ्रांसीसी पिछड़े रहे तो जो पिछड़ा रहेगा वो पिछड़ा ही रहेगा यानी निर्णय लेने में भी तुलनात्मक रूप से हमेशा अंग्रेज आगे रहे जबकि फ्रांसीसी पीछे रहे फ्रांसीसी पीछे इसलिए रहे क्योंकि निर्णय फ्रांसीसी सरकार ही लेती थी और वो जो फ्रांस का राजा था वहां पेरिस के भवन में बढ़िया से पड़ा रहता था फर्स्ट क्लास का भवन आलीशान विश्व में नंबर एक का भवन था फ्रांसीसी राजा लुई लुई चौदाहवाई लुई सोलह इन लोगों ने तो जनता को प्रताड़ित करके रखा था ये फ्रांसीसी भवन से निकलते ही नहीं थे और इनकी महारानियां वो बढ़ चढ़ के उस भवन में अपना रहती थी भाग लेती थी वो किसी के आदेश को मानने ही नहीं देती थी इनके भवन भव्य होते थे तो यहां से गवर्नर अगर चाहता था कि भाई कुछ आदेश दिया जाए तो वहां पे फ्रांसीसी राजा या राजकुमार जो होते थे वो निर्णय नहीं लेते थे और यहां ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत फटाफट दो सेकंड में हां चलो अटैक अटैक तो अटैक आदेश आ गया अटैक और वहां वो सोच रहा है तब तक तो, तो उधर से गोला आके पड़ गया यहां पे तो पीछे कौन होगा फ्रांसीसी पीछे होंगे ठीक आगे देखो अन्य कारण भी हैं। फ्रांसीसियों के मुकाबले अंग्रेजों ने वाणिज्य व्यापार राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। अंग्रेजों ने पर व्यापार पर और राजस्व पर ध्यान दिया और फ्रांसीसी राजनीति पर ध्यान देते थे तो राजनीति पर जब ध्यान देते थे तो वो कमजोर हो गए और ये लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत रहे भारत में भाई जिसके पास धन होगा उसी के पास तो सेना होगी वो शेर शाह पागल थोड़ो न था कि जो बूढ़ी और विधवा महिलाओं से विवाह करके उनके धन पर कब्जा कर लेता था और कब्जा करके एक बड़ी सेना को बनाया वो चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है देखो वो पड़ोसी राज्यों के ऊपर अटैक करके वहां से धन को इकट्ठा करता है फिर एक बड़ी सेना को बनाता है वो आप लोगों ने देखा होगा क्या नाम है उसका जो पृथ्वीराज चौहान से हारता है तराइन के युद्ध में पहली बार मोहम्मद गोरी लौट के जाता है होता है होता अपनी सेना को ट्रेंड करता है और हमारे राजा साहब यहाँ पे क्या यहाँ पे रोज पनीर वगैरह बन रही है युद्ध जीते हुए हैं अब उस उत्साह में लगातार एक साल अपना आराम कर रहे हैं उसमें और वहां वो व्यक्ति तैयारी कर रहा है जाके अपनी सेना को ट्रेंड कर रहा है और पड़ोसी क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण करके धन कमा रहा है और धन कमाने के बाद में उसको सेना के शस्त्र वगैरह खरीदने में उसको लगा रहा है तो वो तो हारा हुआ व्यक्ति है हारा हुआ हारा हुआ व्यक्ति और खतरनाक हो जाता है जैसे जो सांप होता है अगर सांप के फन पे एक डंडा आपने लगा दिया तो सांप फिर आपको खोजने लगता है तो एक डंडा मारने से अच्छा है कि उसे खत्म कीजिए वो दुश्मन है फिर तो वो मौका खोजेगा वही स्थिति तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी की थी दोबारा वो आया और दोबारा पराजित किया अब इतिहासकार लिखते हैं कि कौन किस को पराजित किया लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोहम्मद गोरी ने पराजित किया अब अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव ने बंगाल को आधार बनाया देखो एक बेस बना रहा है बंगाल को और बंगाल इस समय आर्थिक रूप से ये क्या है ये यही है बंगाल इस समय सोने की चिड़िया इस समय सभी लोग कलकत्ता की तरफ भाग जाते हैं आपके घर के लोग हमारे घर के लोग सभी लोग कलकत्ता की तरफ नौकरी करना चाहते हैं कोई दिल्ली नहीं आता था, था क्योंकि दिल्ली में कुछ नहीं था कोई नोएडा गाजियाबाद नहीं आता था और गुड़गांव नहीं आता था कुछ नहीं था भाई पहले सब लोग कलकत्ता की तरफ भागते थे और कलकत्ता एक तरीके से आर्थिक राजधानी थी हमारी और कलकत्ता या बंगाल को बेस किसने बनाया अंग्रेजों ने बेस बनाया से भी फायदा हुआ अंग्रेजों को यही बात कही जा रही है यहां पे, जबकि डुपले ने दक्षिण को आधार बनाया यह पूर्व में बंगाल को आधार बनाता है तो तुलनात्मक रूप से बंगाल अंग्रेजों के लिए अधिक लाभदायक रहा और दो कारण है अंग्रेजों की सफलता का और फ्रांसीसियों के पराजय का यही एग्जैक्ट आपको लिख देना है बस कुछ भी नहीं सोचना है जैसे मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं और ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा यूरोप में अंग्रेज फ्रांसीसियों से अग्रणी थे यूरोप में भी अंग्रेज फ्रांसीसियों से अग्रणी थे यह भी ध्यान रखिएगा पूरे यूरोप में अग्रणी थे ये अंग्रेज ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र था संसदीय राजतंत्र था जबकि फ्रांस में निरंकुश सत्ता थी और औद्योगिक क्रांति का भी फायदा ब्रिटेन को मिला फ्रांस से ज्यादा फायदा इस ब्रिटेन को मिला वहां भी इसको फायदा हुआ वहां भी ये मजबूत था और ये देखो एक जो निर्णय आया था युद्ध के बीच में डुपले को वापस बुलाया जाना फ्रांसीसियों के एक बड़ी गलती थी बड़ी भूल थी क्योंकि डुपले भारत में अच्छा काम कर रहा था और उसकी जगह पे ये जो बुस्सी आया गोडेहू आया और लाली आए ये सब योग्य नहीं थे डुपले योग्य था वो काम भी कर रहा था पहले कर्नाटक युद्ध में उसने पराजित भी किया था अंग्रेजों को दूसरे में उड़े उसे बढ़त मिल रही थी लेकिन उसको फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया उसके स्थान पर फिर किसको भेजा क्रम से याद रखना बुस्सी को भेजा बुस्सी को बुला के गुडेहू भेजा गुडेहू के बाद में आ, लाली को भेजा ठीक तो आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था आप लोगों को याद आ रहा होगा 1756 से सत्रह के बीच में युद्ध हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर या सेना नायक कौन था सेना नायक कौन था कौन था ए विकल्प में आपको उत्तर मिल रहा है गोडेहू ध्यानपूर्वक उत्तर बताइएगा बी विकल्प में आपको उत्तर मिल रहा है बुस्सी विकल्प में आपको उत्तर मिल रहा है लाली डी विकल्प में उत्तर आपको मिल रहा है डुपले बताइए जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग एक तरफ से उत्तर बताइए क्या हुआ अंबुज हुँ? सभी लोग एक तरफ से इसका उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति या सेनानायक कौन था यही आप लोगों को बताना है यही आप लोगों को बताना है तो बताइए क्या होगा भाई इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर अच्छा ए होगा रुक्मिणी शर्मा के अनुसार ए होगा गुडेहू अच्छा जी यही पढ़ाया था बेटा हम्म अभिषेक इस बार आगे निकल गए हाँ कौन होगा विशाल हम्म मतलब इतना प्यारा सा उत्तर है और आप लोग बता ही नहीं पा रहे ये उत्तर तो हंसते हंसते बता देना चाहिए था आपको क्यों धर्मवीर भारती बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं एग्जैक्ट बता रहे हैं यही है काउंट दिलाली यही है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति या गवर्नर ये फ्रांसीसियों का अंतिम गवर्नर या सेनापति है जो 1760 में 22 जनवरी 1707 को वाणियावास का युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों से पराजित हो जाता है और अंग्रेज सेनापति आयरकूट होता है इसको पराजित कर देता है और पराजित होने के बाद में आप लोगों ने देखा कुछ पाबंदियां लगा दी फ्रांसीसियों के ऊपर और फ्रांसीसियों के पराजय के कारण भी आप लोगों ने देख लिया फ्रांसीसियों के पराजय के कारण को भी आप लोगों ने देख लिया बाकायदा आप लोगों ने देखा ठीक तो लगभग लगभग जो यूरोपीय कंपनी का इतिहास रहा वो तीन क्लास के माध्यम से हमने पूरा इतिहास आप लोगों के बीच में डिस्कस किया यूरोपीय कंपनियों के इतिहास को पढ़ाया पुर्तगाली कंपनी है डच कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है फ्रांसीसी कंपनी है कुछ पूछना है तो पूछते रहिए मैं कमेंट देखूंगा तो इसके बाद में ये क्लास अभी यहीं समाप्त होती है अभी जस्ट एक क्लास हमारी शुरू होगी वो सेवन पीएम से शुरू होगी मतलब करीब करीब 45 मिनट बाद इसमें हम लोग जानेंगे कि इतिहास को विषय के रूप में इतिहास का चयन क्यों करें और अगर चयन किया है तो क्या पढ़ें कौन सी बुक पढ़ें बुक पढ़ें कौन सी किताब पढ़ें और एक क्लास हमारी अभी आठ पैंतालीस पे है आधी ये करीब करीब एक घंटे की क्लास होगी इसमें आप लोग आइएगा व्यापक रूप से इसको समझिएगा बड़ी मदद मिलेगी ऐसा नहीं कि इतिहास पे ही हम लोग चर्चा करेंगे कुछ अन्य सब्जेक्ट पर भी चर्चा करेंगे कि अन्य सब्जेक्ट को क्यों रखा जाए ठीक और आठ पैंतालीस से हम लोग अकबर महान के इतिहास को पढ़ेंगे किसी को भी अन एकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है हमारा नंबर आप लोगों के पास होगा ही यहाँ पे ये हमारा रेफरल कोड है इसी का आप लोगों को प्रयोग करना है एस ए एन जे डबल -E ई -E बी दस प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहीं पे ये पी डी एफ भी आपको मिल जाएगा जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज़ वो लोग क्लास को लाइक कर लें और शेयर भी कर लें अपने ग्रुप्स वगैरह में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं सात बजे तुरंत अभी आज तब तक एक घंटे के लिए चाय नाश्ता कर लीजिए आप लोग पुनः बिल्कुल ताज़ा बन के वापस मिलिए सात बजे और अगर किसी ने कुछ पूछा है तो उसका मैं जवाब देता हूं तब तक और जिन लोगों को कुछ पूछना है वो पूछते रहें तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया सात बजे पुनः मिलेंगे हाँ कुछ पूछ तो रहे नहीं है वैसे क्योंकि पूछने के लिए विशेष करके कुछ बचता ही नहीं है मेरी क्लास में ये आप लोग ही कहते हैं क्यों अब तो आपको लाली कभी नहीं बोलेगा ना हाँ लाली कभी भूलना नहीं चाहिए थोड़ा पॉजिटिव वे में भी लाली को रखना है चलिए ठीक है धन्यवाद स्पेक्ट्रम की क्लास कल सुबह सात बजे से भी होगी स्पेक्ट्रम की क्लास कल सुबह सात बजे से होगी ठीक है अभी बताएंगे अगली क्लास में निश्चिंत रहिए